हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फिर भी आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका हौच-पौच होती जा रही है। इसके लिए हम लेकर आए हैं प्रेम सर कैंपस रीजनिंग के लिए, साथ ही न्यू चैनल एडवांस मैथ के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ का जादूगर। रीजनिंग के लिए प्रेम सर कैंपस और मैथ के लिए मैथ का जादूगर, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लाइव क्लास एक भी मिस नहीं हो सके। जब भी क्लास में आते हैं तो तीन चीज लेकर आएंगे, क्लास कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल और साइडी। आप से मैं कहना चाहता हूं कि पंछी कहता है आसमां बदला है, पंछी कहता है आसमां बदला है, भौरा कहती है ये चमन बदला है, और हमारी और आपकी खामोशी बताती है कि शिक्षक वही है फिर दूरी बदला है। धन्यवाद। मैं प्रेम सर, प्रेम मय में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर, प्रेम मय में आपका स्वागत है। फिर लेकर आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट नंबर 2। मैंने कल के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन ही मेन रूप से पढ़ाया, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। आज हम लोग उसके हार्ड टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अजय चौहान के भी सिटिंग अरेंजमेंट में जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, या अदर राहुल सर के क्वेश्चन है, या सभी बुकों से कलेक्शन कर हम आपको क्वेश्चन लिखा रहे हैं। आप अजय चौहान के बुक से एक क्वेश्चन मिलाते रहेंगे कि कहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आपका काम होगा। यही आपका ASW अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन नंबर हम आपको नहीं बताएंगे। तो देखते रहिए, एक पर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बारी है। सिटिंग अरेंजमेंट पहले ही हम आपको बता दिए, पजल का एक छोटा सा भाई है, ये समझ गए तो पजल आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए हम लोग आते हैं। बहुत सारे बच्चे कल कमेंट किए थे कि सर कि अजय चौहान का जो कुछ डाउट रह जाएगा वो कब करेंगे, उसके लिए भी हम एक आपको सोल्यूशन बैच लेकर आएंगे। साथ ही ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो ही पाता है। अगर अजय चौहान का अगर पूरा डिस्कशन कराने का मतलब है कि आप क्वेश्चन नंबर 10-15-20 से अगर पूछते हैं तो ये क्लास अगर लाइव देते हैं तो कम से कम वो 10 दिन लगेगा, 10 घंटे में चले जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए स्पेशल डिस्कशन के दिन क्या करेंगे, हो सकता है कि हम लाइव आने वाले हैं। आप डिस्कशन के लिए देखते रहिए मैथ के जादूगर। मैं प्रेम सर और प्रेम मैम में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। कल 2 एग्जाम्पल के बाद ये तीसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और ये भी आपके अजय चौहान की बुक की क्वेश्चन है। अभी 2-4 क्वेश्चन अजय चौहान से ही होंगे, आप इस क्वेश्चन को खुद ढूंढ ले कै नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखकर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिखे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना बड़ा है ना छोटा है। इस क्वेश्चन के बारे में हम आप सीखते हैं। पहले आप देखते हैं क्या क्या बातें हैं। कहता है कि 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुँह कर बैठा हुआ है। तो 5 को व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ 5 स्टेप अप बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये लगाकर 5। सब उत्तर की ओर है तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर ऊपर की तरफ है, सबका मुंह इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऐसे उत्तर की तरफ मुंह कर बैठा हुआ है। इसमें व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, यह लाइन कहता है तभी भी और नहीं कहेगा तभी भी, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 6 व्यक्ति है, चाहे 5 व्यक्ति, चाहे 8 व्यक्ति, चाहे 10 व्यक्ति है, लेकिन छोर 2 होता ही है किसी भी कतार का, एक यह छोर होता है अंतिम और एक ये होता है, तो फिक्स है। तो कहता है इसमें व्यक्तियों में 2 व्यक्ति जो बिल्कुल 2 छोर पर बैठे हुए हैं, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। हो, एक बुद्धिमान है और दूसरा आपका मूर्ख है। तो यह स्टेटमेंट अगर बात करेंगे बुद्धिमान और मूर्ख की, तो ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती है। हालांकि आप चाहिएगा बनाने तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कहीं से भी आप उठा सकते हैं। तो इसको एक नंबर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसमें से जो छोर पर बैठा हुआ है, जो उसमें से कहता है या बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिमान इस छोर पर होगा तो मूर्ख इस पर होगा, यह जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी मूर्ख हो सकता है और यहाँ पर भी बुद्धिमान हो सकता है। 2 व्यक्ति है, दोनों छोर पर या तो बुद्धिमान होगा नहीं तो आपका मूर्ख होगा। तो मूर्ख और बुद्धिमान होगा तो फिक्स है कि यही बात, बुद्धिमान होगा तो यहाँ पर मूर्ख होगा, अगर यहाँ मूर्ख होगा तो यहाँ क्या होगा, बुद्धिमान होगा। यानी कि यह आपका क्वेश्चन में क्या हुआ,
कहता है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति की दाई ओर बैठा हुआ है। इसको दो नंबर स्टेटमेंट आप ले लीजिए। कहता है कि एक मोटा व्यक्ति जो है कमजोर व्यक्ति के दाहिनी ओर हो, तुरंत इसको क्या करेंगे कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। थर्ड में अगर बात करें तो कहता है एक लंबा व्यक्ति बाई ओर बैठा हुआ है और उसी क्वेश्चन में लगाया हुआ है, इसी में इसको जोड़ दिया हुआ है। इसको तीन को करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जोड़ा हुआ कि एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाई ओर बैठा है और एक लंबा व्यक्ति उसके बाई ओर बैठा हुआ, तो यानी कि दो स्टेटमेंट है। तो कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ, और इसको आप तीन बना लीजिए, एक दो तीन, कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ। तो यहाँ देखिए बीच वाला, आपको मैंने कल ही सिखाया था कि बीच वाला जब भी अगर दिया रहेगा तो पहले आप बीच वाला नहीं बनाकर आप सबसे साफ सुथरा स्टेटमेंट हो उसको बनाइएगा। जैसे मैं आप इसको दो को बनाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाइएगा। देखिए कितना आसान है, एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की दाई ओर है, तो आपको सिखाया था कि मोटा व्यक्ति वाला नहीं छुइएगा, उसके बाद वाला को छुइएगा। यहाँ पहले कमजोर व्यक्ति लिख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको आसान बनाता है। ये सब आपके छोटे छोटे नॉर्म्स है, टर्म है, कंडीशन है, जिसको जानने से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड लीजिएगा। मोटा व्यक्ति लगा रहा है तो इसको, चाहे कोई व्यक्ति लिखा रहा है, कुछ भी लगा हुआ है, तो पहला वाला स्टेटमेंट को छोड़ को इस वाला स्टेटमेंट को यहाँ उतार लेते हैं। कमजोर क्यों? क्योंकि बोलता है मोटा व्यक्ति के कहाँ बैठा वो पता बाद में है, पहले है कि कमजोर व्यक्ति के वो दाई ओर है, तो वो एक कमजोर व्यक्ति है, तो ये दाई ओर, तो दाई ओर यही होता है, क्या कि इसका दाहिना हाथ मेरा ये है और इसका बायां हाथ ये है। तो मोटा व्यक्ति बैठा है, कहाँ बैठा है? तो कमजोर के दाएं, तो कमजोर पता चलेगा तब तो कमजोर यहाँ पर है, मोटा व्यक्ति दाई ओर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोटा व्यक्ति। यहाँ तक आप संतुष्ट होइएगा। कहता है कि मोटा व्यक्ति जो है एक कमजोर व्यक्ति के दाई ओर है, तो आप देख रहे हुए कि मोटा व्यक्ति कमजोर आदमी के दाई ओर है, तो यह आपका लाइन क्लियर हो गया कि एक मोटा व्यक्ति था जो कमजोर के, तो पहले कमजोर लिख लीजिएगा, उसके दाएं बाएं जिधर कहेगा केकरा दाएं बाएं, तो कमजोर के दाएं बाएं, तो कमजोर लिख लेंगे, उसके दाएं बाएं जो कहेगा वो हम लिख देंगे। यहाँ मोटा व्यक्ति जो है दाई तरफ है, तो लिख दिए हैं। कहता है एक लंबा व्यक्ति जो है बाई ओर में बैठा हुआ है और जो लंबा व्यक्ति है इसके बाएं में, तो लंबा व्यक्ति किधर हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा लंबा व्यक्ति। हो कमजोर के दाई और मोटा व्यक्ति है, कमजोर के बाई और ये है। ये बड़ा स्टेटमेंट था तो इसलिए हम इसको कवर किए हैं। इसके बाद जो है आप इसको थर्ड वाला स्टेटमेंट को आप देखिए। कहता है कमजोर व्यक्ति क्यों? क्योंकि इसमें कमजोर व्यक्ति दिया हुआ है, या मोटा या ये लंबा, इसमें से जो मिलता जुलता जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को आप उठाएंगे। तो कहता है एक लंबा व्यक्ति बाई और बैठ, कहता है कि कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में, इस क्वेश्चन को आप पहले समझ जाइए। कमजोर व्यक्ति यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ कमजोर, कमजोर व्यक्ति कहता है बुद्धिमान और मोटा के बीच में, तो बुद्धिमान और मोटा के बीच में, क्या ये भी हम कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यह बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि यह कमजोर व्यक्ति के, बुद्धिमान व्यक्ति इधर है, मोटा इधर है, कह रहा है ना। तो इसको तो हम ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि कमजोर व्यक्ति जो है मोटा और बुद्धिमान के, क्या है कि बीच वाला, क्या हमने आपको सिखाया इसको दो हमेशा चरण में बैठाना कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों चरण हो सकता है, कमजोर व्यक्ति मोटा और बुद्धिमान के बीच में, कमजोर व्यक्ति मोटा और बुद्धिमान के बीच में, दोनों बात सही हो सकती है, उसमें से एक गलत हो जाता है एक सही हो जाता है। तो आपके स्पष्ट आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा कि कौन क्वेश्चन में कौन क्या कह रहा है। अब आगे चलते हैं कि अगर इसको अगर कहेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ते कैसे सो देखिएगा कि अगर ये मोटा है तो इसमें देखिए मोटा कहाँ पर, यहाँ है और यहाँ है, तो मोटा यहाँ पर अगर ये वाला स्टेटमेंट उठाते तो मोटा के बगल में यहाँ क है, क के मतलब ये, तो ये वाला अगर उठाइएगा तो देखिए तो मोटा, मोटा के बाद ही कमजोर, कमजोर के बाद यहाँ पर क्या बुद्धिमान है, यहाँ क्या है, तो ये आपका गलत है बस। अब ये वाला एक ऑटोमेटिक उठाइएगा तो आ जाएगा मोटा, मोटा के बाद क्या लिखना है? कमजोर, मोटा, कमजोर और आपको दिया हुआ है बुद्धिमान। तो अगर देखिएगा, अगर देखिएगा हमारे पास ये अगर दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को एकदम क्लियर, क्लियर हम लोग क्लियर कर ले इस क्वेश्चन को कि दिया हुआ क्या है। अगर दो वाला स्टेटमेंट कि एक मोटा व्यक्ति जो एक कमजोर व्यक्ति के दाई ओर है, तो लिखिएगा कि अगर यहां पर आदमी की संख्या दिया हुआ पांच, तो यहां चार, एक यहाँ पांच, पांच व्यक्ति है। मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की दाई ओर है, तो कहीं पर अभी बैठा लेते रफ में कमजोर व्यक्ति के दाई ओर, तो यहाँ कमजोर है मोटा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति कमजोर के दाई ओर बैठा हुआ है। एक लंबा व्यक्ति
के बाई ओर बैठा, यह मोटा दिया कहता है, मोटा वाला दिया कहता है कि एकरा दाएं, इसके दाएं, और यह के लंबा व्यक्ति के बाई ओर बैठा हुआ, तो यहाँ पर लंबा हो गया। इतना अगर समझ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको बढ़ रही है। कहता है कमजोर व्यक्ति के दाई ओर मोटा व्यक्ति है और लंबा व्यक्ति के बाई ओर है। अब यह स्टेटमेंट से मिलता जुलता देखेंगे कि एक है कि तीसरा है, तो तीसरा में दिया हुआ है आपको कमजोर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के ठीक बीच में हो। बीच वाला का दो बातें होती है, जब यह बीच में तो किसके किसके, कहता कमजोर व्यक्ति, तो यहाँ कमजोर व्यक्ति, बुद्धिमान और मोटा के बीच में, तो बुद्धिमान यहाँ लिख लेंगे और यहाँ मोटा लिख लेंगे, कमजोर एक ये चीज़ हो सकता है, एक कमजोर लिख देंगे यहाँ, यहाँ मोटा लिख देंगे और यहाँ बुद्धिमान लिख देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि बीच वाला का मतलब है कमजोर बीच में रहना चाहिए, इधर मोटा बुधा हो चाहे उधर मोटा बुद्धिमान हो। इसमें तो हमको लगता है कि आप क्लियर जरूर होते होइएगा। हो गौर से देखिए तो आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर दिया कमजोर के बाद मोटा, मोटा के बाद क्या दिया लंबा। अब यह सेट होगा कि यह सेट होगा, तो दोनों में कौन कॉमन है, तो कॉमन देखिए जो कॉमन होता है वही हम लोग सेट करते हैं। तो इसमें दोनों में देखिए कमजोर है, कमजोर के बाद यहाँ मोटा है, कमजोर के बाद यहाँ मोटा है, लेकिन ये तो मेरा सही है, दोनों में कौन सही होगा, कमजोर के बाद मोटा, तो कमजोर के बाद मोटा है, कमजोर के बाद ये संभव होगा क्या, तो ये कट जाएगा, तो इसको उठा के इसमें सेट कर देते, कमजोर के कमजोर पर साटेंगे मोटा मोटा, तो इधर क्या आ जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। अब हमारे पास चार व्यक्ति एकदम सेट हो चुके हैं, चार व्यक्ति सेट हो चुके हैं। अब हमारे पास गौर से देखिएगा, एक जो है पहला स्टेटमेंट उसको हम क्लियर करेंगे। इसमें से कहता है कि इसे दो व्यक्ति, एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। तो देखिए तो बुद्धिमान बैठ गया वह मूर्ख है, तो हम दोनों को तो छोर पर था, तो एक तो ये छोर पर आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरा कौन छोर पर आएगा, इस पर, तो बुद्धिमान इधर है, तो इधर कौन बच जाएगा आपका, मूर्ख बच जाएगा। तो इसी को ऐसे हम लिखते हैं कि से यह उत्तर मुहे हैं, तो इसको ऐसे ग्राफ सॉल्यूशन बुक में ऐसे छपा हुआ रहता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ बुद्धिमान, यहाँ लिखेंगे कमजोर, यहाँ लिखेंगे मोटा, यहाँ लिखेंगे लंबा और यहाँ लिखेंगे मूर्ख। बोलिए क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप डैट कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर आज दिख रहा होगा, लाइट भी है और साथ साथ आपका जो है पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो यह क्वेश्चन है आपके सामने, आइए हम जरा सा इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है, पांच या तीन क्वेश्चन जो पूछा हुआ है अजय चौहान की बुक से, उस क्वेश्चन को हम आपको आंसर करवाते हैं। इसी तरह से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही कम से कम 10 बच्चों से इसको सब्सक्राइब कराएं, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना जल्द हम एडवांस मैथ लेकर आ रहे हैं मैथ के जादूगर चैनल पर। आइए इस पर दो चार क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं एग्जाम में, उस दो चार क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से बनाने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन घबराने का नहीं है, जल्दी जल्दी फास्ट नहीं बढ़ना है। कुछ लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखने लगते हैं, ऐसा आप ना करें, ऑनलाइन के समय एकदम क्लास में ही बैठे रहें। कहता है पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है आपको बताने की इच्छा है मुझे, बता दे कि छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 में कहता है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, कहता है लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, अजय चौहान की बुक है आपकी, कहता है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर, तो दाईं ओर से देखते रहिएगा, दाईं ओर इधर होता है, कहता लंबा व्यक्ति कौन से स्थान पर, तो लंबा व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये पहला स्थान होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, तो इधर से तो बोला है, अगर इधर से कहता तो एक दो इधर से कहते, तो पहला ये है, दूसरा आते, कहता कौन सा स्थान है लंबा व्यक्ति का, तो लंबा व्यक्ति का स्थान दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दो। ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास बुक है इसलिए डायरेक्ट बुक से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लियर है, नहीं तो आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर भी और जस्ट बगल में भी आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कहता वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति की बाई ओर हो, कौन कहता है कि से आप क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि वह व्यक्ति जो कमजोर के बाई ओर है, तो कमजोर है कहाँ, यहाँ, इसका दाहिना हाथ इधर बोलते हैं, बायां इधर बोलते हैं, कहता वह व्यक्ति कौन सा है जो उस व्यक्ति के बाई ओर है, तो देखिए तो बाई ओर इधर होगा, तो बाई ओर कौन है, बुद्धिमान है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है, पांच गो है तो मध्य में होवे करेगा, दो गो इधर छांट दीजिए, दो गो इधर छांट दीजिए, बीच में आएगा, बीच में कौन व्यक्ति है, मोटा तागड़ा व्यक्ति है, यानी कि मोटा जो हमारे ऑप्शन नंबर है वो आपका 5 है।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा हुआ है। मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर, तो मोटा व्यक्ति के देखिए ये केकर बाएं में है, एकर हाथ तेने से दाएं पड़ेगा, एकर ही बाएं से पड़ेगा, तो केकरा बाएं में है, तो एकर बाया हाथ इधर यानी एकरा बाएं में कौन है, मोटा व्यक्ति है, तो कहता केकरा बाएं में, तो यानी कि ये जो दिया हुआ आपको क्या चीज दिया हुआ है आपका लंबा, यानी लंबा, लंबा ऑप्शन नंबर क्या है, एक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें कहता है यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में स्थान बदल हो। 15 नंबर क्वेश्चन आपका VVI, गौर से सुन लीजिए नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा दिए सर। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों के प्रॉब्लम होता है, गौर से देखिएगा, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से हम यहाँ पर जगह है इसलिए मिटा दिए थे, यहाँ क है जोर है, यहाँ मोटा है, यहाँ लंबा है, यहाँ मूर्ख है। अभी छोटी छोटी बात आपको क्लियर कराते जा रहे हैं। कहता है कि अगर मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति को आपस में बदल दीजिए, मूर्ख व्यक्ति और किसको, मोटा व्यक्ति, यानी कि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति, तो यानी कि यह मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति यहाँ चला है और मूर्ख व्यक्ति यहाँ आ जाए। कहता है चेंज कर दिया, ये इसके स्थान पर यहाँ और इसके स्थान पर यहाँ चेंज कर दिया जाए। इसी प्रकार से लंबा और कमजोर को भी आपस में बदल जाए, लंबा और कमजोर के, यह लंबा है और ये क्या है, कमजोर है, लंबा को यहाँ ले आइए और कमजोर के यहाँ ले आइए, कहने के सेंस यह यहाँ चल जाएगा और यह यहाँ चल जाएगा, चला जाता है। तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की बाई ओर बैठता है, तो अब तो ऐसा सेट हो गया, तो कमजोर तो ये है, गौर से देखिए तो कमजोर तो ये है, तो इसके बाएं में, इसके बाएं में कौन होगा, तो ये आपका मूर्ख होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में मूर्ख क्या नंबर ऑप्शन में है, तो एक नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में अगर मान ली थोड़ा भी उल्टा पुल्टा अगर हम पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आंसर आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट वही होगा, इसलिए क्वेश्चन को गौर से देख ले, उसके ऑप्शन को देख ले, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में अस्थिरता आप ज़्यादा दिखाई देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक पर एक क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो कि आपका कहीं ना कहीं संतुष्टपूर्ण सोल्यूशन होगा। जितने बैच ऑफलाइन में दिया करते थे एक चैप्टर में, उतना ही कोशिश हो रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बैच हम आपको ऑनलाइन में भी देंगे, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्यों मेरा क्लास देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाकर ही चलूँगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए जरा सा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, जो एक स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन दिया रहता था और उसमें हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर जो अभी कर रहे थे, 2-3 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही है, आप जो करते थे वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। पजल में भी ऐसा ही रहता है, मैं आपको बता दूं कि यह अगर क्लियर, अगर अच्छे से पढ़ पा रहे पूरे एकदम लाइन बाय लाइन हर पॉइंटेड को अगर नोट कर रहे हैं जितनी बातों को मैं आपको समझाएं, समझिए पजल का 50% वर्क कर लिए, खाली उसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आप ये समझ रही है एक पजल भी है, ये एक तरह का पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है कंसेप्ट ऑफ पजल पर ही होता है। देखिए गौर से ABCDG उत्तर की ओर, इसमें व्यक्तियों के नाम अगर बात कर रहे तो ये 7 है, यह जो पहला दिया रहेगा इस टाइप से, तो पहला एक इन्फॉर्मेशन रहता है, ये स्टेटमेंट नहीं रहता है कि आप उसको बनाइए। कहता है कि 7 भैया 7 भैया है, जो सब जो है अपन मुँह जो है भोज खाने के लिए ऊपर की ओर किया हुआ है, कि पहले हमको मिले हमको मिले हमको मिले। तो इन 7 भैया को ऐसे आप बना लीजिए, एक इधर से बनाइए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर का बीच में रखिए, 7 को है तो 3 इधर 3 इधर। यह बैंक PO का क्वेश्चन है अगस्त 2019 का। तो यह क्वेश्चन अगर आप देख रहे होइएगा तो गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाइट का बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं टेक्निकल हमारा व्यवस्था बढ़ते जा रही है, सिर्फ परेशानी ये हो रही कि हमें गर्मी ज़्यादा लग रही, फिर भी उसका भी एडजस्टिंग होने जा रही है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे हम कि यह क्वेश्चन जो आप देखेंगे एकदम बारीकी से देखेंगे, बहुत मेहनत के बाद आपके क्वेश्चन को डिस्कशन करा रहे हैं, क्वेश्चन को हम आपको खोज खोज के ला रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको हम व्यवस्थित करके दें। गौर से देखते रहेंगे यहाँ, यह जो दिया ABCDEF G उत्तर की ओर मुड़ कर रखा हुआ, तो उत्तर का मतलब वो अपर होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो इसको क्या करेंगे, सबको ऊपर की तरफ मुँह कर बैठा देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको स्पष्ट लाइन खोजना होगा, तो कहता है F जो है E के ठीक बाईं ओर है, या F जो है E के ठीक बाईं ओर है, यह आपको दिया हुआ F है, तो ये है। कहता है C
बी और डी का पड़ोसी हो, पड़ोसी का मतलब बीच होता है। यहां देखिएगा ये पड़ोसी कहता है मतलब बी सी जो है यह बी और डी का पड़ोसी, यानी कि इसके यह सी कहां रहेगा, एकरा बीच में रहेगा तब नहीं दोनों के पड़ोसी होगा, यहां रहेगा तो खाली एकर पड़ोसी होगा, यहां रहेगा तो सिर्फ इसका पड़ोसी होगा, लेकिन ये पड़ोसी का मतलब है यहां समझ जाएंगे कि बीच की बात करती, मतलब कि सी बीच में रहेगा तो दोनों के पड़ोसी हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट अच्छे हैं और इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। पड़ोसी का मतलब अगर एक आदमी का पड़ोसी तो बगल में दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन दो का पड़ोसी आदमी जब बीच में रहेगा तब दो आदमी को पड़ोसी होगा। कहता है वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर हो तीसरे स्थान पर, वह किसी एक छोर पर है, मतलब किसी न किसी अंत पर है, ठीक है। कहता है ए जी के बाईं ओर हो, इसमें आपको सब लगता होगा क्लियर, कहा है कि एफ ई के ठीक दाईं ओर है, यह वाला थोड़ा सा आपको लगता हुआ कि नहीं है क्लियर, तो इसको थोड़ा सा इसको रोक देंगे। यह भी थोड़ा सा डी के बाईं ओर तीसरी है, यह भी आपको लग रहा होगा कि ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर, तीन को क्लियर है, तो कौन सबसे बेटर होगा। तो मैंने आपको सवाल को बनाने से पहले कंसेप्ट बताया था कि जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट हो जिसमें नकारात्मक नहीं दिया हो और सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है वही स्टेटमेंट आपका बेटर स्टेटमेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे क्या, इसको हम करेंगे क्या कि जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग खूब बढ़िया से इस बात को समझते हैं कि जो हमारे पास अगर दिया रहे तो सबसे लंबा वाले स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो लंबा वाला अगर स्टेटमेंट की बात करें कि सबसे लंबी स्टेटमेंट कौन सी है, तो आपको लगता है ना कि सबसे लंबा स्टेटमेंट यही, तो देखिए गौर से यहाँ पर कहता है कि वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर है, कोई ऐसा होगा ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी होगा जो डी के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ पर कहीं पर अभी रफ कर लेते हैं, इसमें सेट नहीं कर रहे, यहाँ पर हम स्टेटमेंट को लिख रहे हैं डी के बाईं ओर तीसरा हो, डी के बाईं ओर तीसरा था, डी के बाएं हाथ इधर होगा, एक दो तीन, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो छोर पर है, मतलब ये जो होना चाहिए अंतिम छोर होना चाहिए, यह जो होना चाहिए कितना चाहिए अंतिम छोर, दाई कहता तो ये या बाई कहेगा तो ये, इसको हम लिख रहे हैं फिर भी यहाँ से हमको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब हम आपको सिखाया था कि जब भी अगर आप एक स्टेटमेंट उठाते तो उससे मिलता जुलता नाम वाला ऑप्शन को ही देखेंगे, तो यहाँ डी देखिए तो किस में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको देखिए, कहता है तीन नंबर में कहता है कि सी बी और डी का पड़ोसी है, तो गौर से देखिएगा इस स्टेटमेंट में क्या निकलता है, सी बी और डी का पड़ोसी, एक यह बात सही है कि यहाँ गौर से देखिए सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, तो सी बी ओ के पड़ोसी है डी, ये भी बात सही है कि सी जो है बी और डी दोनों का पड़ोसी, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप गारंटी हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि जब भी अगर कहेगा कि सी के बारे में कहेगा कि दोनों का पड़ोसी है, तो अर्थात सी बीच में होगा, इसका भी और इसका भी। अब गौर से देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ डी, डी के बगल में इधर बैठा भी सकते हैं और इधर बैठा भी सकते हैं, कि सात व्यक्ति है, तो अभी हम यहाँ पर भी इसको उठा कर लाएंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, इससे मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएंगे, जहाँ पर देखेंगे कि से वहाँ पर जो है कन्फर्म उससे देखेंगे, तो ई वाले में ये वाले चाहे ए वाले में एफ और ई तो है नहीं, ई और जी है नहीं, तो अब इस दोनों को ठीक करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा पजल टाइप की बातें चल रही है। कहता एफ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, मतलब इससे यह क्लियर हो रहा है कि एफ एफ जो है ई के दाईं ओर है, एफ जो है ये एफ ई के दाईं ओर है। देखिए गौर से हमेशा इस बात को लिखिएगा कि जब भी क्वेश्चन अगर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि बार बार किसी इसको ना लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे ई, यहां लिख लेंगे ई, ई के ठीक दाई ओर, ई के ठीक दाई ओर, इसको भी ढक लेंगे, कहेंगे किकर दाई ओर किकर बाई ओर, ई के ठीक दाई ओर, तो ई के ठीक दाई ओर कौन है एफ है, तो इसको एफ लिख देंगे। ऐसे ही बनाइएगा, पहले एफ नहीं लिखिएगा, अगर बनाते हैं तो आपका मिस्टेक होगा, टाइम टेकन होगा, इसलिए हमेशा देखिएगा कि इसको ढक कर पढ़ेंगे, ई के ठीक दाई ओर तो ठीक है, कौन है तो एफ है तो दाई ओर, यहां पर भी इसको ढकेंगे, जी के दाई ओर चौथा है, जी के दाई ओर चौथा, यानी कि ये वाला बात है कि जी के दाई ओर, तो जी के दाई ओर अगर बात करेंगे तो जी के दाई ओर देखेंगे, जी के दाई ओर तो जी के दाई ओर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जी, और जी के दाई ओर चौथा है, तो यहाँ पर एक स्थान दो तीन चार, जी के दाई ओर कौन है ई है, तो एक दो तीन चार यानी चौथे स्थान पर ई, यानी कि एक ये स्टेटमेंट मिल रहा है आपका, एक ये मिल रहा है। अब देखिए तो गौर से
कि अगर हम ये स्टेटमेंट पर काम करना शुरू किए थे तो यहाँ पर डी था, तो यहाँ पर भी डी था, ए भी आ रहा था, ए भी आ रहा था, लेकिन डी को यहाँ रखेंगे तो डी के बाद सी बी होगा, और डी के बाद रखेंगे तो डी सी बी यहाँ होगा, लेकिन दोनों भी अभी पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है, इसको अभी टच ना करके इस दोनों को हम थोड़ा सा बारीकी से समझा लें। देखिएगा यहाँ ई और एफ है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, यह इसमें समाहित हो जाएगा, क्या है कि ई के पहले ई के बाद जो है कौन है एफ है, तो ई के बाद आप एफ को सेटल कर दीजिए, ई के बाद क्या होगा एफ, तो ई के बाद दाहिना में है तो ई के बाद एफ। अब एक एक लंबा स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें और इसमें देखेंगे ये दोनों किसी में है क्या, तो बी सी डी इसमें भी नहीं है, बी डी सी बी इसमें भी नहीं, यानी कि ये दोनों अगर सेट हो जाता तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर आसान बन जाता। फिर भी अभी हम जो काम करेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, धीरे 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 हमारा एडजस्टिंग होगा। अब देखिए गौर से कि 6 व्यक्ति हमको बैठाना है, टोटल व्यक्ति कितना है, 6 है कि 7 है, तो टोटल व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 नहीं 7 व्यक्ति, यानी कि 7 व्यक्तियों को एक साथ हम क्या करेंगे बैठाएंगे। जब ये 7 व्यक्ति को एक साथ अगर आप बैठाते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, 7 व्यक्ति को जब भी अगर एक साथ अगर आप बैठाते हैं तो आप कन्फर्म हो जाइए, जब ये 7 व्यक्ति एक साथ अगर बैठेंगे तो एकदम आप कन्फर्म हो जाइए कि कैसे बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति या तो इधर बैठेगा नहीं तो एक इधर बैठेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये संभावना है कि ये अगर हम बैठाते हैं तो बड़ी आसानी से बैठेंगे। अब इसको गौर से देखिएगा कि अगर इसको बी सी डी को उठाते हैं, यहाँ पर बी सी डी तो यहाँ पर रख सकते हैं तीन को, क्या कि तीन को तो एक साथ बैठेगा ना तो ये बैठेगा, यहीं से क्वेश्चन है आपको सॉल्व हो जा रहा है, इसको बैठाएंगे तो यहाँ नहीं तो इसको, अब इसको यहाँ पर सीट है तो बी सी डी बैठा है कि डी सी बी बैठा है, तो गौर से देखिएगा कि अगर इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, देखिए गौर से किसी को ए ओके, अगर मान लें किसी को भी उठा कर लिया तो इसको उठा लेते तो डी सी और बी, अगर इसको उठा के यहाँ अगर लाते हैं तो इसमें कहा हुआ था यह कंडीशन में क्या है कि डी के बाएं तरफ तीसरा में कोई व्यक्ति हो, तो जब भी अगर डी आई आएगा तो यहाँ पर एक ही को सीट खाली नहीं, ई तो बैठा ही है, इसके आगे कहीं है क्या तीन को, तो समझ आइए आपका होगा नहीं, तो कौन बैठेगा ई बैठेगा, यानी बैठेगा कौन कौन बी सी डी। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में कहीं ना कहीं आपको आने लगेगी। तो अब 6 को व्यक्ति बैठ चुका है, अब बचा हुआ कौन है, तो बचा हुआ ए है, तो ए हमारा यहाँ भी बैठ सकता है और ए हमारा यहाँ भी बैठ सकता है, तो ए बैठेगा कहाँ, तो कंडीशन दिया था कि डी के दाहिने डी के बाएं तीसरे स्थान पर होगा, ये अंतिम छोर पर, यानी कि जी अंतिम छोर पर, तो ये तो बैठेगा नहीं तो बैठेगा ही, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा जी बी सी डी ई एफ और ए, यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ठीक था, एक बार और क्वेश्चन को आप देख ले संतुष्ट है या नहीं है, मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को एक बार और आपको रिपीट कर दूँ, आइए जरा सा, क्योंकि जितना बार क्वेश्चन बताएंगे उतना ही अच्छा कंसेप्ट आपका खुलेगा, इसके बाद जैसे होगा प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा, इसमें टाइम लगेगा, सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन हर तरीके क्वेश्चन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल रहेगा, बिना लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ाने को हमको, जो बात कहें उसी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए जरा सा हम लोग और वर्क कर लेते हैं, मैंने कहा कि ये 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट में 1-1 करके थ्रू पढ़ लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, एक एक स्टेटमेंट दी रहती, एक इन्फॉर्मेशन दी रहती, इससे मतलब नहीं। कहता है एफ ई के ठीक दाईं ओर, ई एफ और ई को नहीं सोचेंगे, बाद वाला को सोचेंगे, इसको ढक लेंगे, यानी लिख लेंगे ई, ई के ठीक दाईं ओर, दाईं ओर कौन होगा एफ, तो एक स्टेटमेंट ये मेरा आ गया। कहता है कि सी बी और डी दोनों के बीच में है, तो सी बी और डी के बीच में एक ये भी बात सही है, और या सी जो है बी और डी के बाईं ओर बीच में, पड़ोसी का मतलब बीच में, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर, तो डी डी और डी के बाईं ओर तीसरा बनाइए, 1 2 3 और यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा ये अंतिम छोर पर होगा, यानी कि कैसे बैठेगा जो बता, 1 2 3 ये अंतिम छोर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इसी पर आपको बैठाना है, मेन यही है, उसको आप ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि यहाँ से ये अंतिम छोर होना चाहिए, मैं अंतिम ये हो गया, फिर ये हो गया, ए ए ए ए, ए, ए
एक बार और इसलिए पढ़ा रहे कि आपका ऑनलाइन भी है तो क्या होगा, क्लियर तो हो जाएगी। अगर ये दिया हुआ है टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो टोटल 7 दिया, अंतिम छोर वाला एगो ये है और एगो अंतिम छोर वाला ये है, तो इसके बाएँ बोला है तो डी के बाएँ बोला है, तो 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ पर हो जाएगा डी, और इसके बाएँ देखिए अंतिम छोर है, ये अंतिम छोर है, ठीक है। कहता है ई जो है जी के दाई ओर है, ई जी के दाई ओर है, तो हम आपको बोले ई को ढक लीजिए जी के, तो यहाँ लिख लीजिए जी, जी के दाई ओर इधर होता है, जी के दाई ओर कौन है, तो ई है, ये आपका स्टेटमेंट है। मतलब कि हर क्वेश्चन जो लिखी हुई बात हो उसको मैंने एक जगह क्या करेंगे रफ में लिख लेंगे, उसी के साथ बार बार ई न पढ़कर हम डायरी को दिखाई दे रहा है। अब हम इसको सोचेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेटल करते हैं तो सेटल कौन होगा, जैसे मैं यहाँ पर ये दोनों में कॉमन आ रहा है ई, तो ई को ई के जगह पर सेट कर देंगे, तो ई को उठाएगा तो ई सट जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा जी ई, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा एफ, ये एक सेटल हो गया। अब ये 3 गो है, तो 3 गो या तो इधर बैठाइएगा, नहीं तो 3 को इधर बैठाइएगा, यही ना बैठाइएगा, इस तीनों को यहीं पर कहीं तो बैठ सकता है, ये यहाँ बैठेंगे तीनों, नहीं तो यहाँ बैठेंगे, तो ये अभी भी पॉसिबिलिटी मेरे पास है। लेकिन डी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, इससे हम लोग समझेंगे। कहता है गौर से देखिएगा कि ये डी है, यहाँ डी दिया हुआ है, तो गौर से देखिएगा कि डी डी सी बी, तो डी सी बी, डी सी बी यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ हमारे पास बी सी डी, हमारे पास दिया हुआ बी सी डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये वाला अगर उठाकर हम रखते हैं, ई वाला रखें या ये लिखिए, तो दोनों एक ही लिखा हुआ है, इसको तो यहाँ पर लिखना चाहिए हमको क्या सी क्या, तो यहाँ पर डी रहना चाहिए, नहीं तो बी रहना चाहिए, ऐसे रहेगा। अब इसको अगर मान लीजिए इसको अगर हम सेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या डी से पहले सी, ये वाली से, और सी से पहले क्या होगा बी, अगर यहाँ पर अगर बात करें तो डी सी बी, यही ना होगा, यानी कि तमाम बातें आपके सामने हैं। तो आप किसको कब रखेंगे ये आप ध्यान रखें। अगर मान लीजिए गौर से इसको अगर उठा कर हम लोग यहाँ रख लेते हैं, तो ये जी ई एफ होगा, यहाँ रखते हैं तो जी ई एफ यहाँ होगा, होगा ना। अब गौर से एकदम स्पष्ट आपके सामने सारी बात है, तो जैसे अगर हम लोग रख लेते हैं, गौर से देखेंगे कि जैसे हम लोग रख लेते हैं तो हम रखेंगे किसको किसको कहाँ कहाँ रखेंगे, तो गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास जी और ई और एफ है, तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये ऐसे सेट हुआ है, आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने अब क्लियर करने पर है। उसमें एक यहाँ पर देखिए मिस्टेक का आपने पढ़ा है, जब यहाँ पर हमने क्लियर किया है कि इसे दाई ओर, खाली दाई ओर नहीं है, दाई ओर ये दिया हुआ चौथा, तो यहाँ पर जब ये चौथा होगा तो ये सेटल थोड़ी होगा, यहाँ पर तो आप देख रहे थे, आपको कमेंट करनी चाहिए थी। यहाँ चौथे स्थान पर है, कहते हैं ई जो है जी के दाई ओर चौथा है, ई ई जी के, तो ई को ढक लीजिए, जी वाला पढ़िए, जी के दाई ओर हम इतना ही पढ़ दिए थे, जी के दाई ओर चौथा, 1 2 3 4 कौन है ई, हमेशा हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन, मिस्टेक होगी तो हमसे भी हो सकते हैं आपसे भी हो सकते हैं, लेकिन क्लियर रखिए, कट पेस्ट हम नहीं करते हैं, जो परफेक्ट हम लाइव आ रहे हैं वही आपको परफेक्ट आपको दिखाने को मिलेगी। आपसे भी ये गलतियां हो सकती है, इसलिए क्लियर इस चीज़ को देख लीजिए, इसीलिए मैं बार बार गलतियाँ कर देता हूँ या डायरेक्ट पूछ देता हूँ कि आप वहाँ पर हैं कि नहीं। जब भी अगर यहाँ पर तुरंत कॉमेंट कीजिए, नहीं सर ये 4th स्थान पर था, तब लगे कि आप एक्टिव पढ़ रहे हैं, और भी सारी मिस्टेक हम आपको करेंगे और वो आपके सामने सॉल्व करना है। कहता है कि क्योंकि आप घर से प्रैक्टिस तो अभी करनी होंगी, वो हमको पता है, 2-4 बच्चे भेजे भी है व्हाट्सएप से, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही ऑनलाइन में ही। कहता है ई जो है जी के दाई और चौथा है, तो ई जो है जी के चाई और चौथा है, तो देखिए तो इसके चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, अब ये क्लियर हुआ। ई के साथ एफ होगा, तो ई के बाद एफ है, तो यहाँ पर सेट कर देंगे, अब ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए गौर से किसको कहाँ बैठाया जा सकता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कितने व्यक्ति है, तो इतना व्यक्ति इसको उठा के इसमें सेट कीजिए, अगर जब ही इसको उठाकर अगर सेट करते हैं, या फिर इस दोनों में देखिए कोई आपका कॉमन है क्या, हो तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैठाइएगा तो या तो यह बैठेगा नहीं तो यह बैठेगा, यही तो होगा। अगर इसको अगर आप बैठाते हैं, ध्यान से दीजिएगा, अगर इसको बैठाते हैं तो बी सी डी बैठ सकता है, या डी सी बी कोई भी बैठ सकता है। तो जब भी इसको अगर बैठाइएगा तो टोटल जो है कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 है, इस 6 को उठाकर हम लोग यहाँ लाते हैं, 6 को उठाकर लाएंगे तो यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6
या फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई ध्रुव से हम लोग बैठा सकते हैं। तो अगर इसको बैठाएंगे तो इसमें तो तीन व्यक्ति यह होगा, कौन कौन होगा, तो यह होगा और यह होगा। तो अगर इसको अगर बैठा लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें हम ई चाहे ई दोनों में से कोई बैठा देते हैं, तो अगर जब ही अगर मान लीजिए सपोज डेट कि इसको या इसको कोई बैठा, मान लीजिए इसी को हम बैठा लीजिए, यहीं पर आपको मेन पॉइंट है, यही सेटल आपको करना है। अगर इसको हम धोखा से बैठा लिए तो कैसे ये गलत हो जाएगी, तो क्योंकि आपको कहा गया था कि डी के बाई और तीसरा स्थान है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 अगर ई बैठाए हैं तो यहाँ पर 3 गो और व्यक्ति होगा, तो टोटल व्यक्ति 7 गो है, मिल कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, गलत बैठेगा, तो यही बैठेगा। तो हम इसको मिटाकर बैठाएंगे हमेशा, तो इसी को बैठाएंगे, तो कौन कौन बैठेगा, तो इसके बाद आपको बैठेगा बी सी डी, एकदम राइट आंसर, राइट कंसेप्ट आपका जा रहा है। अगर थोड़ा भी कंसस हो जाएगा, अगर एक बार पढ़ लेते अभी ऑनलाइन, फिर एक बार रिवाइज करके इसको देखिएगा तो और आपको मजा आएगा। अब हम बैठा लेते हैं डी के बाद इसको एफ ई, इसके बाद एफ है, डी से पहले सी है, सी के बाद बी है, और बी के बाद जी, देखिए अंतिम छोर पर भी मिल रहा है। अब जो बच गया, कौन बच गया, तो अमर बच गया, यानी कि ए बच गया। अब ये हमारे लास्ट में इधर छोड़ है नहीं बचा हुआ, तो इधर बच गया। यह तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, हम बार बार कोशिश मेरी हो रही है कि आप जो है ऑफलाइन के तरह क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन भी आप बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, आई होप डैट कि आपको संतुष्टि भी बढ़ती होगी। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। एक घंटे की जो क्लास हो रही थी, कुछ बच्चे सोच रहे कि थोड़ा सा और आवर बढ़ जाए तो सवे घंटे की हो जाएगी, मतलब 1 घंटा 15 से 20 मिनट की क्लास कंटिन्यू देंगे हम। और साथ ही अगर आप लोग अगर कमेंट में अभी लिख देते हैं कि सर एक और बैच दीजिए, तो इवनिंग में भी बैच देंगे। हाँ, मैथ की बैच हम देंगे, लेकिन अभी नहीं, कम से कम आपको मैथ के जादूगर पर 500 सब्सक्राइबर अगर आ जाते हैं, कम से कम लाइव में 100-150 बच्चे अगर रहेंगे तब उसमें आएंगे। इसलिए आपका काम है कि कम से कम जिस इलाका गाँव में है तो कम से कम 100 बच्चों को उसमें और जोड़ें, कि तुरंत तुरंत वह लोगों को पता चल जाए, क्योंकि सब जब तक सारे बच्चों को पता अगर नहीं चलते हैं तो बच्चे कैसे हमसे जुड़ पाएंगे। तो ये आपके इसी बुक की थी, क्वेश्चन नंबर आपका 17 से 21 क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन आप बुक उठा लीजिए, जब भी हम आ रहे हैं तो आप बुक अपने सामने ही रखेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है एक कौन सा स्थान पर है। पहला क्वेश्चन 17 का, एक कौन सा स्थान पर है। हो तो ए को देखिए, तो क्या क्या जवाब हो सकता है एक में। ए दाएं से अंतिम छोर पर है, दाएं से अंतिम छोर पर है, एक ये सवाल दे सकते हैं। एक कौन स्थान पर है, आप ये जवाब दे सकते हैं एफ के तुरंत दाहिने हैं, ई के दूसरे दाएं हैं, डी के तीसरे दाएं हैं, सी के तीसरे चौथे दाएं हैं, इसके पांचवा, इसके छठा, ऐसा जवाब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको इसी ऑप्शन में देखना है, एक में कहा है कि एक स्थान ई और डी के बीच में है, ई और डी, देखिए ई और डी के बीच में तो कोई है नहीं, यानी कि एक नंबर आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। देखिए दो नंबर ऑप्शन को, कहता एकदम बाई ओर है, आप देखिएगा कि अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो दाहिना हाथ इधर है, एकदम छोर पर अगर जाएंगे तो इधर दाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहता एकदम बाई ओर, इधर है क्या सबसे, तो ये भी आपका गलत। तीन नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं हम, तीन में कहता है कि एकदम दाई ओर है, बिल्कुल ए जो कहा है दाई ओर है, यानी कि आंसर जो होगा 17 का आपका ए होगा, 18। अगला ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं जब मेरा आंसर आ गया। 18 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, मतलब कौन सा इसमें सत्य, तो जो सत्य है उसी को सत्य बोलेंगे, तो हम लोग पढ़ पढ़ के देखेंगे स्टेटमेंट को क्या बोला है कौन सा। कहता है डी सी के ठीक बाई ओर है, डी डी जो है देखते रहिएगा, डी सी के बाई ओर है, तो इसका दायां हाथ इधर है, ई बायां हाथ, एक बायां में ही है क्या, नहीं, खत्म, असत्य है। ई ए और एफ के बीच में है, तो ई के पास जाएंगे, और ए और एफ के बीच में ए ई है क्या, नहीं, वो भी खत्म। कहता सी बी के ठीक बाई ओर है, सी जो है मतलब सी सी बी के ठीक बाई ओर, सी बी के बाई ओर है, तो सी देखिए तो इसके बाएं बी के बाई ओर है, बार बार कहते इसको ढक कर पढ़ेंगे, तो जब ये इसको करिए तो बी के बाई ओर, तो बी के बाई ओर तो नहीं है, दाई ओर है, ये भी खत्म। जी ए के दाई ओर है, जी ए के दाई ओर है, तो ए का तो दाएं में हैवे करीब पूरा है, और पांचवें स्थान पर है, तो यहाँ से देखिए तो पांचवें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं, पर ये भी खत्म, तो अब इसमें से कोई सही नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा, 5 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाएं ओर, तो आसान क्वेश्चन, सी के बाएं, इधर दाएं बोलते हैं, इधर दाहिना हाथ और दाएं, बाएं कौन है, तो बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए।
अच्छा इसमें दो दो को दिया हुआ है, जी बी डी नहीं है, सी यू नहीं है, केवल बी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हुआ, 4 है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में कहता है बी का पड़ोसी कौन है, तो किसी का पड़ोसी दो होता है, तो बी का पड़ोसी आपको दिखाई दे रहा होगा, यही दोनों तो पड़ोसी है, कौन, जी और सी, तो जी और सी आपके ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, जी और सी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सी जी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1, दोनों में से कोई लिख सकता है, जी सी और उल्टा लिख भी करता है। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन, में आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन है, ए एक छोर पर है, एकदम सही है, दूसरा ई डी के बाई ओर है, ई डी के बाई ओर, ई जो है डी के बाई ओर है, देखिए तो आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ई ई जो है इसके बाई ओर है क्या, ये तो आपका क्या है दाई ओर है, यानी कि यही दो नंबर, यानी कि यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो जुड़े रहे, एक प्री क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, संतुष्ट हो जाते होइएगा, थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, और आपकी जो भी बात है आप चाहें तो हमारे फ़ोन पे भी कॉल करके आप हमको इसके बारे में बता सकते हैं, सर ये बात ऑनलाइन में क्लियर नहीं होती जो ऑफलाइन में आप करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम 100% आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ मिट जाए। तो देखते हैं अगले सवाल को, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को भी आप देखें, आपको दिखाई दे रहा कुछ थोड़ा सा वो दोनों क्वेश्चन के अपेक्षा ये आसान क्वेश्चन हम डाले हैं, 6 विद्यार्थी की एक पंक्ति है, इससे आपको कोई लेना देने नहीं है, तो आपको बार बार हम बोले कि ये अगर एक दिया एक इन्फॉर्मेशन है, इससे कोई कहीं पर भी आप क्वेश्चन को बैठा नहीं, 6 व्यक्ति है तो आप ऐसा सोच सकते हैं सिर्फ इतना कि 6 को व्यक्ति है तो इसको आप कवर कर लीजिए, 6 व्यक्ति है, कहता एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सेटल करते जाइए कि आपको बार बार पढ़ना नहीं, एल और आई के बीच में कौन पी, तो एल और आई के बीच में पी दिखाई तो दे रहा होगा, इसको दोनों तरीका से लिख लेंगे कि आई पी एल, क्योंकि पी को दोनों तरफ से होता है बीच में, तो ये भी बीच में और ये भी बीच में। अब यहाँ पर है बाद, दाएं बाएं नहीं है, तो वो जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं हमारा बाद, तो हमेशा समझ जाइए इसका मतलब होता है दाएं, आप पहले तो इसको बाएं, हमरा से पहले तो इस साइड, बाद तो इस साइड, ये हम लोग प्रैक्टिकली भाषा में जानते होइएगा, एन के बाद एल है, तो एन के बाद कौन है एल, तो एन के बाद एल दाहिने में, डी के बाद एन है, टी के बाद एन है, हो या दोनों स्टेटमेंट को अगर हम बात करें तो आप बाद वाला है, बाद का मतलब क्या होगा दाया हाथ में, क्लियर। एक स्टेटमेंट और दिया है कि बिल्कुल बाई और डी बैठा है, समझ जाइए इसका सीट कंफर्म है कि यहाँ पर बैठेगा तो डी, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, नहीं सोचना है, बिल्कुल यहाँ तक खत्म, तथा आई के बाद टी बैठा है, और इसमें के दूसरा अगर बात बच गया है तो यह बच गया है कि आई के बाद, यानी कि आई है अब उसके बाद बैठेगा तो टी, यह स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो है बैंक पीओ का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, 95 में भी पूछा था, 2011 में भी क्वेश्चन आई हुई थी बैंकों में, रीजनिंग हमेशा बैंक का पढ़ें, और प्रैक्टिस आप एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी करें, रेलवे करें रेलवे, आर्मी करें आर्मी, एसएससी जीडी करें एसएससी जीडी, आर्मी वाला सब, अगर इतना लेवल का क्वेश्चन अगर पढ़ ले तो हमको लगता है क्वेश्चन एग्जाम में छूटता ही नहीं है। अब हम लोग को तो जानते हैं कि इतना करने के बाद हमको सेट करना रहता है, तो सबसे पहले इसमें हमने आपको बोला था स्पष्ट लाइन, तो आपके बीच वाला है तो यह तो स्पष्ट लाइन हो नहीं सकता है, स्पष्ट है ये है और ये है, ये दोनों स्पष्ट है, तो ये दोनों स्पष्ट है तो इस दोनों में देखिएगा तो या तो ये बनाइए चाहिए, ये दोनों स्पष्ट है तो इसमें दोनों को हम सेट कर देंगे, क्योंकि एन यहाँ भी है एन यहाँ भी है, तो एन एन पर रख देंगे तो क्या लिखा जाएगा डी एन एल, कैसे लिखा है पता है, एन को यही बार रख देते इधर का डी क्या जाएगा डी, इधर का डी क्या जाएगा, यही चीज़ को ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिख दिए। अब इसको हमको बैठाना है, एक क्लो और हमारे पास है, इसमें यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ये आई टी है, ये आई टी, इसको देखिएगा यहाँ यहाँ कॉमन खाली देखना रहता है, कॉमन क्या इसमें भी आई है यहाँ, अब देखिएगा कि आई ये तो फिक्स है, आई के बाद टी होगा, लेकिन इस दोनों में तो फिक्स है नहीं, यहाँ पर आई के बाद पी है तो ये क्या होगा गलत होगा, ये परफेक्ट, इसको उठा कर लिया, यानी कि आई को आई रखेगा तो इससे पहले क्या लिखेगा पी, अब पी से पहले क्या लिखेगा एल, अब यह दोनों जैसे मिल जाएगा तो यह इससे मिल जाएगा,
यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एल, एल पर सट जाएगा तो क्या होगा एन डी, यानी कि देखिए तो इसको अगर बैठाइएगा दोनों को सेट कीजिएगा तो सेट क्या दिखाई देगा आपको, तो यहाँ टी है तो टी दिखाई देगा, आई है तो आई दिखाई देगा, इसके बाद ये क्या दिखाई दिया था, आई के बाद पहले क्या दिखाई दिया था पी, तो पी, पी के बाद क्या दिखाई देगा एल, एल के बाद क्या दिखाई देगा एन, एन के बाद क्या दिखाई देगा डी, तो हो तो गया दो चार छः छः को आदमी था, लो आसान है डी एन एल पी आई टी। यह क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं कि दो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है स्टैंडर्ड पढ़े थे, कि क्वेश्चन नंबर आपके हैं 62 नंबर क्वेश्चन है अजय चौहान के ही, तो आइए जरा सा 62 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग क्या पूछा है। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक से निकाल लिए होइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सबसे पहले कि 62 नंबर है कि मध्य में कौन जोड़ा बैठा हुआ, मतलब कहता है विद्यार्थी के युग्म, मतलब युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब वाइफ हस्बैंड युग्म होता है ना, युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो आदमी का ये बनेगा युग्म। तो कहता है कि मध्य में, मतलब मध्य में देखिए तो बीच में कौन है, दो गो इधर से दो गो इधर से, बीच में यही ये कौन है एल और पी है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे, कहता है एल और पी है, तो एल और पी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एल पी दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर चार में, तो आपका आंसर ये। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है दाई ओर से चौथे स्थान पर कौन है, तो दाहिनी ओर से दाहिने ओर इधर, तो चौथा स्थान पर एक गो दो गो तीन गो चार, चौथा स्थान पर कौन है एल, ऑप्शन नंबर टू। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे दाई ओर कौन बैठा था, सबसे दाई ओर इधर होता है, सबसे दाई कौन है टी है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तीन नंबर के नंबर ऑप्शन नंबर चार, खत्म क्वेश्चन, आसान था। ऐसे ही हम एक पर एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आप देखें। यह क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उसको गौर से आप देखेंगे कि कहता है पांच लड़की एक पंक्ति में बैठी है हुआ, तो यहां तक पंक्ति में बैठे हुए हैं, अगर इसको एक नंबर में हम कहें कि राधा ना तो आशा के बगल में और नहीं श्यामा के बगल में बैठी हुई है, तो एक स्टेटमेंट ये हुआ हो। यह क्वेश्चन जो है रियली में अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन जो है कोरोना वाला है, कोरोना वाला कहने के सेंस क्या है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है कि नहीं उसके बगल में वो नहीं बैठेगी, इसके बगल में हम नहीं बैठेंगे, और हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि कोरोना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस के पालन करें, देन लॉकडाउन पुनः लग गई है। तो एक बार गाना हमने देखा था कोरोना तोहर मैयो जिंदाबाद, कोरोना तोहर बपवो जिंदाबाद, तो आइए जरा से इस क्वेश्चन को, वास्तव में कहीं ना कहीं कोरोना जरूर है, क्वेश्चन को समझने में आपको बार बार परेशानी कहेगी। तो राधा न तो आशा के बगल में बैठेगी या नहीं श्यामा के, मतलब यहां पर लिख दें हम राधा, तो हम कहेंगे कि ये जो राधा है राधा के बगल में ना तो श्यामा बैठेगी और नहीं राधा के बगल में आशा बैठेगी, या दोनों जो है नहीं बैठा है, क्योंकि आपका पता है आपको कि अभी कोरोना चल रहा है। इसके बाद सेकेंड लाइन अगर इसको हम नोट कर ले कि अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, मतलब श्यामा के बगल में अश्वनी भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस के ये पालन कर रही है। कहता है फिर राधा मीना के बगल में, ये दोनों अपनी बहन है इसीलिए अगर इसको थर्ड हम बना ले तो राधा मीना के बगल में बैठती है, मीना पंक्ति के, मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है, अगर इसको फोर्थ ग्रुप में अगर चला जाए, इसको फोर्थ बना ले तो मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में बैठती है, तो बताइए कि अश्वनी के बगल में कौन है। तो आप देख लीजिए इसमें आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं, दो आपके नेगेटिव सेंटेंस है और दो जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यही बार बार हम पहला पिकल के क्वेश्चन में हमने बताया था कंसेप्ट में कि अरेंजमेंट में नेगेटिव और अधूरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट को अलग रखेंगे। तो अगर आप ये देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे पूरे क्वेश्चन को स्पष्ट से, क्योंकि आज 12 भी लिखा हुआ आपके बोर्ड पर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अश्वनी जो है श्यामा के बगल में नहीं है और राधा मीना के बगल में है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस एक और दो, ये वाला राधा ना तो बैठती है किसके, आशा के बगल में और नहीं बैठती है श्यामा के बगल में, तो एक न वाला है यहाँ न लगी हुई, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा भी नेगेटिव है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं बैठती, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो यह दोनों को बाद में केयर करेंगे, पहले हम लोग इस पर देखेंगे।
राधा मीना के बगल में हो, जरा सा देखेंगे कि राधा जो है मीना के बगल में, तो राधा मीना के बगल में, तो बगल के तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मीना को यहाँ बैठाया जाए तो राधा यहाँ भी होगा, तभी बगल का मतलब इधर भी हो सकता है, बगल का मतलब इधर, अगर दाहिना कहता तो ये सही होता, बायां कहता तो बगल का मतलब दोनों हमारे सत्य हो सकते हैं। यह क्वेश्चन जो BRCB 95 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो हमेशा याद रखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में टफ नहीं होता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। नॉर्मली किसी बच्चे से पूछ देंगे सिटिंग अरेंजमेंट तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, तो आपको इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। कहता है कि मीना पंक्ति के ठीक बीच में बैठती है, हमारे ख्याल से राधा मीना के बगल में तो यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मीना पंक्ति के ठीक बीच में, तो लड़कियां कितनी है तो टोटल 5 है, देखेंगे तो 5 है, तो इसको मैं देखिएगा कहीं भी आपको अथवा के केस बनने की अगर चांसेज अगर हो जाए तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मीना बीच में थी तो फिक्स है कि मीना जब भी रहेगी तो मीना को हमको बीच में बैठाना है। अच्छा, मीना अगर बीच में है तो गौर से देखिएगा, मीना के जस्ट बगल में आपको क्या बैठाना होगा, राधा को बैठाना होगा, तो यहाँ पर राधा को हम बैठा देते हैं, यहाँ अथवा के केस बन रहे हैं, हालांकि ये अजय चौहान में एक ही फिगर दिया लेकिन यहाँ अथवा केस बन रहे हैं। आप दोनों फिगर को कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, बुक राइटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपना कंसेप्ट कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप इतना कंसेप्ट को डेवलप कर ले कि आपका कंसेप्ट इतना तगड़ा हो जाए कि राइटर रॉन्ग हो सकता है और आप रॉन्ग नहीं हो सकता है। इसलिए कहता है, आप सुने भी होइएगा कि गॉड रॉन्ग हो सकते हैं, डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक ये बात हो सकता है बगल का मतलब मीना के बगल में राधा यहाँ भी हो सकता है और मीना बीच में है, राधा भी यहाँ हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे तरफ है। अगर ये वाली बात करें तो राधा के बगल में कौन कौन नहीं बैठ सकती, तो आशा को बैठा नहीं सकते, श्यामा को बैठा नहीं सकते, तो इसमें कौन बैठ सकता, तो सिर्फ कौन बैठ सकता, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं बैठ सकती है, लेकिन राधा के बगल में तो बैठ सकती है, राधा के बगल में ये दोनों नहीं बैठेगा, मीना बैठी गई, राधा खुद है ही, तो 5 को में से 2 को ये हो गई, 2 को ये हो गया, 1 वो अपने हो गया 5, तो यानी सिर्फ अगर बैठेगा तो कौन बैठेगा, अश्वनी, यहाँ कौन बैठेगा, अश्वनी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन बच गया, तो एक को बच गया आशा और दूसरा बच गया श्यामा, तो किस कहीं बैठा दीजिए, यहाँ पर हम आशा का बैठा देते हैं, यहाँ हम श्यामा, या अथवा के केस है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आशा बैठेगी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस यहीं पर श्यामा को बैठा दे और यहाँ क्या करें, आशा को बैठा दे, ये दोनों है, दोनों कहीं भी बैठ सकते हैं, इसके लिए कहीं भी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है। हाँ, कंडीशन ये जरूर है कि राधा के बगल में श्यामा नहीं है, श्यामा के बगल में अश्वनी, तो अश्वनी तो यहाँ है, यहाँ तो अश्वनी है नहीं, तो अश्वनी है ये जो हमारे पास दिया हुआ आ ई आशा है, तो आशा तो बैठ सकती, ये दोनों में से कोई यहाँ बैठा होगा जो हमको पता नहीं, ये भी अथवा केस बना रहा है। फिर भी अगर इस पर अगर बना, ये मेरा कंप्लीट है, इसमें कोई कहीं पर डाउट नहीं, अगर इसको लेकर बनाते हैं तो देखिए, राधा के जस्ट आपको दिया हुआ है राधा के, तो राधा के बगल में कौन बैठेगा सीट खाली है, तो ना तो आशा बैठेगी ना श्यामा बैठेगी, तो कौन बैठेगा, सिर्फ अश्वनी बैठ सकती है, तो यहाँ पर अश्वनी को हम बैठा दिया, यहाँ पर हम क्या किसको बैठा दिए, अश्वनी को बैठा दिए, तो हो यहाँ पर तो आपका अश्वनी आ गई। अच्छा, अब इधर कौन बचा हुआ था, 2 तो आशा और श्यामा, तो यहाँ पर आशा बैठा दीजिए, यहाँ श्यामा बैठा दीजिए, यहाँ भी श्यामा बैठा दीजिए और यहाँ भी आशा बैठा दीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा हुआ है, क्योंकि अथवा का जब भी क्वेश्चन होते हैं या फिर किसी भी आप लॉज में रहते हुए हो तो उस लड़का से क्वेश्चन कहिएगा बना कर देखने के लिए, वो पटना सीतामढ़ दिल्ली कहीं से अगर पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज करेगा, आप देख लीजिएगा, बुक में भी ये वाला दिया होगा चाहिए वाला दिया होगा, ये वो साधारण दिया, जबकि वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं, कंसेप्ट ये है। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को तो गौर से देखिएगा, क्वेश्चन आसान पूछने के चलते अजय चौहान क्या किए कि बना दिए तो आंसर लोग का सही मान लिए, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि बताए कि अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी के बगल में तो अश्वनी तो फिक्स है कि अश्वनी के बगल में कौन है, राधा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राधा। अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी के बगल में राधा, यानी ई फिगर बनाइए तो ई फिगर, लेकिन अगर आशा के बारे में पूछता श्यामा का भी क्वेश्चन हो जाता टफ, यानी कि केस जाता आइदर और का, या तो अथवा ये होता नहीं तो अथवा ये होता, ये तो आप क्लियर हो गए हैं। लेकिन यह क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा उतना ही ये आसान भी था,
अगर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग क्लियर करें तो इसको बनाने की भी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। देखिए गौर से, इसको डायरेक्ट अगर हम चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो हमको लगता है कि आप भी समझ रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट इसको हम छू मंतर से बना सकते हैं। जैसे पांच लड़की है तो पांच लड़की को पांच पॉइंट बना लेते हैं हम लोग आपके सामने में। यहाँ देख लीजिए, मीना को फिक्स है कि मीना जब भी रहेगी तो बीच में रहेगी, तो मीना को बीच में हम कर दिए। और इसके बाद है कि से ये बीच में फिक्स है मीना को, तो मीना के बगल में राधा होगा, और राधा यहाँ होगी नहीं तो राधा यहाँ होगी। या अगर इसी को अगर पांच को ग्राफ बनाते हैं, इस पर भी सेम चीज कि आपको स्पष्ट दिखे, तो यहाँ मीना है राधा यहाँ होगा, क्योंकि मीना के बगल में राधा है, मीना के बगल में राधा, दोनों तो क्लियर हो चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, राधा मीना ये तो क्लियर है। अगर यह क्लियर है तो हमको यह समझना है कि जब राधा के बगल में मीना है तब इसके बाद हमारे पास क्या क्या नाम थे। तो नाम जो पांच लड़कियों का है वो हमारे पास राधा है, देखते रहिएगा, राधा है, इसके बाद आशा है, श्यामा है, इसके बाद कौन था, अश्वनी है और मीना है, यही है। तो इसके बारे में हमको ये फिक्स है, और इसमें फिक्स है कि राधा के बगल में, क्वेश्चन में आया हुआ है कि राधा के बगल में, खाली राधा के बगल में कौन है, तो राधा के बगल में कहना, तो राधा के बगल में तो राधा होगा नहीं, आशा और श्यामा को तो बैठाएगी नहीं, तो मीना तो बैठ ही गई, तो कौन बैठेगा, सिर्फ अश्वनी, तो अश्वनी बैठ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी के बगल में राधा, इसके आगे पीछे पूछा नहीं, डायरेक्ट आंसर राधा, क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह जो क्वेश्चन आपको सामने हम दिखा रहे हैं, यह वाली क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे भरी हुई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसबीआई पीओ की है। मैंने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ टफ लाएंगे, टफ क्वेश्चन लाने के चक्कर में हो रहा है कि आपको छोटा में नहीं बड़ा में लिखना है, तो ये बड़ा में भी मैंने लिख दिया है, और अब हमको समझाने में प्रॉब्लम होगी। फिर भी कोशिश करते हैं कि धीरे 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 हर बातों को मैं समझा दूं और आप समझ में आ जाए। वैसे क्वेश्चन भी आपको वहां पर दिखाई देता है प्रिंटिंग के रूप में, तो टेलीग्राम से भी जुड़ ले, जुड़ जाए सारे लोग, क्योंकि उस पर पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन रखा हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन को आप देख कर सारे लोग अपना पीडीएफ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अजय चौहान की क्वेश्चन है ये, अजय चौहान की सबसे टफ क्वेश्चन इसी को मानी जाती है। बच्चे यह क्वेश्चन जितने बैच में पढ़ाएंगे सारे लोग इस पर डिस्कशन करवाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वास्तव में थोड़ा सा दम है, दम कहने का समझ, 11 को बच्चे हैं जिसके चलते ये सारी क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को। फिर भी एक एक करके सबको हम पहले क्वेश्चन को समझा लेते हैं। यहां पर कहते 11 को छात्र है, 11 छात्र का मतलब ए बी सी डी से लेकर कहां तक दिया हुआ आपको, के तक। टोटल जो है 11 छात्र की पहली पंक्ति में प्रेम सर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिएगा यहां पर दिया हुआ अध्यापक अजय चौहान के बुक में, मैंने यहां लिख दिया कि प्रेम सर की ओर मुंह करके बैठा। जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग इधर से देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन में भी, तो गौर से देखिएगा, यह डायरेक्शन हमको पता नहीं। आप मेरे तरफ बैठिएगा तो अगर मैं पूरब कहता आप पश्चिम के में होइएगा, हम उत्तर में है तो आप दक्षिण में होइएगा, यानी अपोजिट में होगा। तो डायरेक्शन कोई भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं होता, यानी कि सर के अध्यापक के यह विपरीत में है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको कंसेप्ट इसलिए दे रहे हैं कि आप ये नहीं सोचें उसके एक्सप्लेनेशन को देखने के चक्कर में ना रहें, आपको यह क्लियर हो जाए कि हम किसी डायरेक्शन में बनाए तो उससे कोई फर्क आंसर पर नहीं पड़ता है। यह एक इन्फॉर्मेशन देती है और इस इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना हमें नहीं होती है। कहता डी जो, जो फिर आ गया, जो का मतलब बगल वाला, डी जो एफ के ठीक बाद में है, बाद में बाई ओर है, सी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है। मैं चाहूंगा कि इस स्टेटमेंट को आप यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि पहले जिससे नहीं, अब थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन अगर चलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा वर्क करते ही चले जाएंगे। अब पहले लिखने की एक एक करके बात को पहले पढ़ पढ़ कर हम लोग चेक करते रहेंगे। कहता है कि डी जो एफ के ठीक बाद में बाई ओर है, तो आपको बोले थे कि इसको मिटा दी, केकरा बाई ओर है, तो एफ के बाई ओर, ये सब मेन पॉइंट है। यही चीज को बैंक पीओ बोलते हैं, और क्वेश्चन में अगर रीजनिंग की अगर बात करें तो बैंक पीओ को जो तैयारी करेगा वही रीजनिंग आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएंगे। बाई ओर से आप कहीं भी शिक्षक किसी भी बैच में लॉज में आप पूछ लीजिएगा, ये सब कुछ बनाने के लिए पसीने छूट जाएंगे। कहता है कि एफ के ठीक बाद में बाई ओर, बाद का यहाँ कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिया है एफ के ठीक बाद में बाई ओर
है तो F के बाईं ओर, तो इधर तो दायां हाथ मेरा तो दाईं होगा लेकिन F ये इधर है तो इधर क्या होगा, तो कहता है D जो है F के ठीक बाईं ओर है, तो यहां पर ठीक बाईं ओर ये बना लेंगे। हर सेंटेंस को समझते हुए उसको रफ हम लोग करेंगे कि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता सी के दाईं ओर कौन जो मतलब डी, यहां पर डी जो है एफ ठीक के बाईं ओर है। सेंटेंस को एकदम क्लियर समझे, एफ के बाईं ओर डी है, डी जो ऐसा आदमी है जो एफ के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर है, दूसरे स्थान पर है, मतलब सी से ये दूसरा स्थान होगा तो वो दाईं ओर, तो सी यहां बैठ जाएगा और इसका पहला स्थान यहां पर एक छोड़ दीजिए, पहला स्थान है ये दूसरा स्थान, मतलब ऐसे सेटल करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। यानी कि कहा है क्वेश्चन को एक बार और देख ले, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की है। और यहां पर जब बोला है कि डी जो है कि एफ के ठीक बाईं ओर है, तो देख लीजिएगा आपको बोले तो ये ढक लीजिए, किकरा बाईं ओर, तो एफ के बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर, जे हमारे बायां है वही एफ, मेरा नाम एफ है तो मेरा बाएं, तो मेरा बाएं इधर होगा, मेरा दाएं इधर होगा। कहता सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर दूसरा, देखिए तो ए डी जो है सी के दाईं ओर, यह पहला हाथ होगा या दूसरा हाथ होगा, तो सी के, यह पूरा स्टेटमेंट का जो ये दिया हुआ था इस लाइन का, ये ही आपका कह रहा है, जो चीज कह रहा था उसको हम रफ में लिख लें क्योंकि स्पेस भी मेरे पास कम है। कहता ए, यहाँ पर बड़ा गौर से देखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। कहते ए ई के जो कि एक सिर पर बैठा हुआ, एक सिरे पर बैठा, मतलब सिरे मतलब किनारा, अंत में, सिरे का मतलब अंत, किनारा सबसे लास्ट में, अंत में बैठा हुआ है, दाई ओर दूसरे स्थान पर है। अब गौर से यह सेंटेंस नहीं आपको समझ में आता होगा कि क्या कहा है, एक बार और सुनिए। ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है, दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, यहां पर कम जगह होने के चलते यहीं पर लिख दिए। यह सेंटेंस आपको समझने में समस्या हो रही हो, इसको बार बार ध्यान से दीजिए। हम एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को, तो हमको ऐसे पढ़ा गया था कि ए जो है एक सिरे पर है, जबकि क्वेश्चन में कहता है जो, जो का मतलब बगल में, बगल कौन है ये? यही चीज आपको पजल में काम करेगा, ब्लड लेसर में काम करेगा। कहता है ई, ई जो है एक सिरा पर बैठा हुआ, तो हो टोटल व्यक्ति है तो कितना व्यक्ति है? हमारे ख्याल से आपको यहाँ पर अगर हम लिखे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, गौर से बताइए। तो अगर हम नीचे बनाए तो बन सकता है ना, या मैं यहीं पर बना लेता हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज डैट कि यहाँ पर, यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं, आपके अध्यापक हैं ये, यानी कि आपके प्रेम सर हैं, यहाँ ये आपके प्रेम सर हैं और आप 11 बच्चों से जो भी क्लास में बैठे हुए हैं आईटीआई के लिए, तो 11 बच्चे हमारे आईटीआई के लिए हैं बैठे हुए और होटल मैनेजमेंट के लिए बैठे हुए, तो 11 बच्चा को लिखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 11 बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे 11 ही है ना, 12 कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे जो है हमारे आईटीआई के लिए इंक्वायरी में आए हुए, तो उनको भी बैठा दिए हैं। और ये एक्चुअली में इनको करना है, जो लोग अभी बैठे पढ़ने के लिए वो लोग आर्मी का है, होटल मैनेजमेंट का है, आप भी आकर क्लास कर सकते हैं। देखेंगे गौर से, यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉल करके पहले आप बात कर ले, यहाँ पर 11 स्टूडेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 टोटल बच्चे हैं। अध्यापक अगर इधर किए हुए इधर की तरफ यानी दक्षिण की, तो सब बच्चा इधर है, अगर मान ली इधर अध्यापक करेंगे तो इधर हो सकता है कि इसी को अजय चौहान के उसको उल्टा बना दिया, अध्यापक को नीचे रख दिया, बच्चा कहीं भी बनाइएगा आंसर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कंसेप्ट अपना हम लोग छोड़ेंगे नहीं और चेंज करेंगे नहीं। कोई भी राइटर पब्लिकेशन जो होता है वह अपने कंसेप्ट के बदौलत जानी जाती है, ना कि उसके सोल्यूशन के बाद बदौलत जानी जाती है। तो आप अपना कंसेप्ट अपना एकदम देखें, किसी से कोई लेना देना नहीं होता एग्जाम एक्सप्लेनेशन से, होता है क्या है कि आप देख लिएगा तो आपको लगेगा कि सर तो गलत बना दी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ये तो आपका क्लियर हो गया, इस क्लियर को करिएगा कि ए ई जो यहाँ पर दे रहा है एक सिरे पर बैठे, तो 11 को व्यक्ति है, गौर से देखिएगा टोटल 11 है। ई जो है सिरा पर, ए नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ए ई के जो कि एक सिरे पर है, तो आपको पढ़ाया जाएगा क्या कि ए जो है किसी न किसी, ए जो है किसी न किसी सिरे पर, जबकि वहां पर लिखा हुआ है कि ए के बारे में बात, इसको ढक कर पढ़ेंगे, ई जो एक सिरा पर है, तो सिरा का मतलब या तो ई यहां पर बैठेगा नहीं तो ई यहां पर बैठेगा।
जब ये इस क्वेश्चन को अगर बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को जब ही हम बनाएंगे तो ई दोनों जगह संभव है, या तो उसको छोड़ा का मतलब होता अंत, या तो उस साइड में होगा नहीं तो इस साइड में होगा, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो ये होगा नहीं तो ये, कहीं ना कहीं एक दोनों में से कट जाएगा। क्वेश्चन टफ है इसलिए धीरे धीरे आसान तरीके से बता रहे हैं, आज लंबा भी क्लास जा रही है। तो ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है, एक सिरे पर बैठा हुआ, अब इसी में आगे देगा जिससे कि ये कंफर्म करेगा कि ये सही था कि ये सही था। तो ई जो कि एक सिरे पर बैठा है, ठीक है, ये बैठा है दाई ओर दूसरे स्थान पर है, यही बात इसके लिए बोल दिया है, ए के लिए, मतलब ई जो है कोई ना कोई अंत पर है, उसके दाई ओर ए जो है बैठा हुआ है, कहता है कि ए दाई ओर दूसरे स्थान पर। देख लीजिए यहीं पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन बच्चे करते हैं, ये जो है इसके लिए डाला हुआ है, कहता है कि ए जो है ई एक व्यक्ति है जो एक छोरा पर है, छोरा मतलब इधर, और इधर छोर पर सिरे पर एक अंत पर बैठा हुआ है, और ए जो है यहां से ये देख रही है, ए जो है दाई ओर से दूसरे स्थान पर, पजल का एकदम यही कंसेप्ट होता है। ये पढ़ लेने के बाद पजल का बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा जो हम आपको बता देंगे, क्लास चैप्टर खत्म होने के बाद पजल भी आपसे बनना शुरू होगा। ए दाई ओर दूसरे स्थान पर है, ए दाई ओर दूसरे स्थान पर हो दाई ओर से, तो दाई ओर यही है ना, तो हमको बोला है कि से ए जो है दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, दाई ओर ई के दाई ओर नहीं, सीधे बोला है कि दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, तो दाई ओर से दूसरा, तो दाई है तो एक दो दूसरे स्थान पर कौन हो गया ए। अब देखिए अब ये क्लियर करेगा, कहता है कि ए जो है ई के, ए जो है ए ई के जो कि एक सिरे के अंत पर बैठा हुआ था, सिरा के अंत पर दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ए जो है दाई ओर से दूसरे स्थान पर। अब ये कंफर्म आपको हो गया कि सिरा जब ये यहाँ पर ये बैठ रहा है तो ई इस छोरा पर होगा कि इस छोरा पर होगा, तो अभी क्लियर होगा कि अगर एक बात समझिए, एक बात समझिए कि दाई ओर से है तो ई का दाई ओर किधर जाएगा, गौर से देखिएगा, दाई ओर से दूसरे स्थान पर, ये गलत हम लिख पा रहे हैं, दाई ओर से तो हो ई अगर यहाँ होगा तो एक कर दाई ओर कौन दूसरे स्थान दूसरे ओर, देखिए तो इधर इधर आपका सीट है क्या, यानी कि नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा, इसके दाई ओर तो ये होगा, तो यहाँ पर आपका ये है। अब आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझिए, कहता है कि ए जो है ई, इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, इस लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी लाइन के चलते अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, या ऐसे क्वेश्चन को बच्चे टीचर डिस्कशन से भागते हैं। अगर इसकी बात करें तो ई के, ई जो है ई जो एक सिरे पर बैठा हुआ, तो सिरा तो ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कहता है जो ये है ई के छोरा पर बैठा हुआ उसके दाई ओर दूसरे स्थान पर हो, तो एक कर दाहिना ओर तो ये हो जाएगा, इसके दाई ओर नहीं कह रहा है, इसके दाई ओर दूसरा ई के, यही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, कि अगर आप सोच लीजिएगा कि एकरा दाई ओर अगर कर देंगे तो आंसर यहां पर आ जाएगा, तो क्वेश्चन ही नहीं सेट होगा, कह रहा है ई के दाई ओर है, तो दाई ओर तो दूसरा ई है, तो यहाँ पर तो सीट है ही नहीं, तो यहीं नहीं बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा, तो दाई ओर के एक ना दाई ओर, एक ये है दूसरा ये है, ऐसे आपका क्लियर हो गया। ए नंबर देखिएगा, जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ध्यान से पढ़ेंगे, जे जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी, आपको सिखाया निकटतम पड़ोसी का मतलब ही होता है क्या, निकटतम पड़ोसी का अर्थ क्या, हम आपको सिखाए कि निकटतम पड़ोसी का मतलब ही होता है कि उसके बीच में, मतलब जे बीच में रहेगा ये दुबल, तो कहेंगे कि जे है ना जो दोनों के पड़ोसी है, तो यह स्टेटमेंट आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते चलते हैं, तथा जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, मतलब जी के, जे जो है एकर दोनों के पड़ोसी है ये जे, और साथ साथ जो है जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो जी यहाँ ले लेते हैं, तो पहला स्थान दूसरा और ये तीसरा स्थान, जी का बायां हाथ इधर ना होगा, पहला ये होगा दूसरा ये होगा और तीसरा ये, एक ये, लेकिन अगर ये बीच वाला है तो बीच वाला में तो अथवा किस बनता है, पिछले ही दो तीन क्वेश्चन में क्लियर किए हैं कि ए और जे के बीच में, तो ए जो है और बी के जे में, तो यहाँ भी हो सकता है ए और बी, ए और बी के बीच में कौन होगा, जो यहाँ ए बी कहिए चाहे ए बी कहिए, बात तो सेम है। अब इसमें भी अथवा केस देखेंगे, उसमें भी देखेंगे, कोई एक सत्य होता है ये बाद में। तो कहता है क्वेश्चन में कि जी के बाईं ओर से तीसरा है कौन, जे, जी के बाईं ओर से तीसरा है, तो जी के बाईं ओर से, तो यहाँ पर भी यही होगा, जी के बाईं ओर से एक दो, एक दो तीन,
देखिएगा इस दोनों में अथवा केस बन रहा है, यहाँ ए भी चेंज हो जाएगा, अथवा का केस बीच वाला पड़ोसी वाला ये चेंज होगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो कहता है तीसरा आते ही पहला एक का स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, इससे भी और इससे भी, दोनों में से सत्य होगा। कहता है एच डी के बाई और अगले स्थान पर है, एच डी के बाई और अगले स्थान पर है, इसको अध्यापक वाला का जरूरत नहीं, उसको मिटा देते हैं। कहता है क्या कि एच डी के बाई और दूसरे स्थान पर है और आई के दाई और तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन को पूरा एक लाइन में पढ़ेंगे और समझेंगे तोड़ तोड़ के अलग अलग चीज़ों को देखकर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आपको बार बार बोलते कौमा दिया रहे, सबको ढक दीजिए, पहले यहाँ पर डी के बाई और, तो यहाँ लिख लीजिए डी, ऐसे लिखिएगा, यही कंसेप्ट है। डी के बाई और कौन है वो, तो डी के बाई और अगले स्थान पर कौन है, तो एच है। एच कहता है एच डी के बाई और अगले स्थान पर, तो बाया स्थान कौन होगा, हो तो एक बाया स्थान यही ना है, तो यहाँ पर कौन है, एच है, ये पढ़ लिए। और आई के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, कहता है आई के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, एच जो है डी के बाई ओर है। क्वेश्चन को समझिए, जो नहीं लगा हुआ कि डी हो जाएगा, जो इसमें कहीं है नहीं तो डी बनता। कहता एच जो है डी के बाई ओर है, तो एच डी के बाई ओर है और आई के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, कौन, एच। एच जो है डी के बाई ओर है और आई के दाई ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आई, आई का एक हाथ यहाँ पर है, दूसरा ई है और तीसरा ई, एक पहला हाथ है, दूसरा हाथ और तीसरा, देखिए तीसरा हाथ पर है। अब ये वो ये आपका बन गया। अब गौर से देखिएगा, अगर इतनी बात है, आप क्वेश्चन कहेंगे कहीं आपको तो फील होता होगा कि वास्तव में क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड है, घबराइए मत नहीं, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी तक चाहते थे इस क्वेश्चन को समझा के निकल गए रहते, क्वेश्चन के लेवल देकर हम आपके लेवल बढ़ा रहे हैं। देखिए गौर, कोई भी दुनिया में होता क्या है, हम बता रहे हैं कि गांव में पहले एक मंजिल बनता था, ईटा के चारों तरफ से बना के ऊपर से खपरा रखता था, लोग देखा था एक बिल्डिंग पिट लिया, अब दो बिल्डिंग पिटता है, तीन पिटता है, चार बिल्डिंग देख देख कर ही लोग बिल्डिंग पिटना शुरू करता है। तो आप भी देखते कर ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे और बनना शुरू करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि है दम तुझमें तो जमाना बदल दो, है दम तुझमें तो जमाना बदल दो, अपने पसीने की ताकत को समझो, अपने पसीने की ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। तो आइए इसी तरह से हम लोग चलते हैं, आज से थोड़ा नंबर स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ऐसा आपको देखकर लगता होगा कि हम खाली स्टैंडर्ड बोले, स्टैंडर्ड नहीं, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है, आप ही से पूछ रहे हैं श्रेया, क्वेश्चन स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड पढ़ा रहे इसलिए कि कम से कम यहाँ के बच्चे, दिल्ली के भी बच्चे अगर देखे, छत्तीसगढ़ के देखे, अदर का, तो उसको भी लगे कि नहीं रीजनिंग को वाकिफ, में रीजनिंग को पढ़ाएं सर। तो आइए जरा सा हम इस चीज़ को देखते हैं, अगर इस बात को अगर बात करें, यहाँ पर आपका क्लियर देख रहे हैं नवीन, नितेश, अजय, रोहन, सारे लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन को मैंने क्लियर किया एक बार और आप देख लेंगे बैक करके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर। अब इसमें कि हम ये स्टेटमेंट उठाए कि ये उठाए कि ये उठाए कि ये उठाए, कौन उठाए, इसमें कौन ज़्यादा बेटर है, हालांकि हमको जगह के अभाव पे चलते हम ये उठा लिए थे, रियलिटी ये है कि यह 11 गो स्टूडेंट वाला कि 11 गो छात्र है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, यह एक इन्फॉर्मेशन था कि टीचर की तरफ मुँह करके, कहीं ना कहीं टीचर का नहीं दाया बाया देखा गया है और नहीं इसको देखा गया, तो ये तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब इस तीनों में कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया है, हो तो जिस क्वेश्चन में सीधा अंत कह दें तो एक आपको कन्फर्म सीट दे देता है कि ये अंत से ये इधर से, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यह सीधा वाला क्वेश्चन को सेट करेंगे, जो कि हम आपको डायरेक्ट स्पेस की वजह से डायरेक्ट यहाँ हम सेट कर दिए, तो आपका इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, आज क्वेश्चन अच्छा था और बड़े बड़े लेटर में लिखने की वजह से, तो ये तो हमारा कन्फर्म हो गया। अब ये सीरा वाला जो है इसको भी हम लिख ही दिए हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो, बगल में क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए गौर से यहाँ तक आप क्लियर है, अब आपको सेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को अगर सेट करें, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सेट करने का हम आपको तरीका दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर सेट किया जाए तो आप कह सकते हैं ना कि अथवा केस जो चार में आपको दिखाई दे रहा है यह वाला, कि यह सही है कि यह है, तो इसमें देखिएगा कि गौर से, इसमें अगर चार वाला को अगर हम सेट करते हैं तो चार वाला को किसके साथ सेट करें, तो चार और तीन को, चार को अगर हम लोग सेट करें तो चार को
अगर सेट हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं चार और तीन को सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीन वाला को तो हम मिटा दिए हैं, तीन वाला तो यहाँ लिखा हुआ लिखा गया, तो ये तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। अब चार वाले को इसके साथ सेट करेंगे। जैसे मैं कहने का सेंस ये कैसे सेट करेंगे सो हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कहना है कि इसमें ए था और इसमें भी ए है, तो या तो यह होगा नहीं तो यह होगा। इस बात को बारीकी से समझिए, क्वेश्चन समझना है, सीखने की शैली यही होती है, इसी स्टैंडर्ड को समझना आता है, नॉर्मलाइज सबको आता रहता है। तो देखिए ये वाला बात इसमें सेट होगा कि ये वाला बात कैसे समझेंगे, तो ए को उठाते हैं, तो अगर ए को उठाते ई वाला को, तो एक बगल में क्या है जे है, तो एक बगल में तो जे जगह खाली है तो जे को, लेकिन इसके बाद किसको बैठाना है बी को इसके हिसाब से, तो यह जब ये उठाइएगा तो यहाँ ई बैठाना है जबकि यहाँ बी है, इसीलिए इसको काट देंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर ले, ध्यान कर ले कि यहाँ पर यह क्यों कटा, क्योंकि दोनों को सेट कर रहे हैं तो एक के जगह पर जगह खाली था तो जे बिठा रहा है, लेकिन इसके बाद बी बैठाना चाहिए जबकि ई है, तो यह नहीं बैठेगा तो यह बैठेगा, तो इसको हम लोग बैठा लेते। अगर बैठाएंगे तो ए के बगल में कौन बैठेगा जे, जे के बगल में कौन बैठेगा बी, बी के बगल में कौन बैठेगा जी। थोड़ा सा जगह के अभाव है नीचे तो यहाँ पर सेट कर लिए, नहीं सॉरी यहाँ पर बी के बाद एक जगह खाली आप दिख रहे हैं, ये जगह खाली रखना है ये वाला, और इसके बाद ये जी को रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब इसी को हम नीचे हो रहा है इसलिए उसको हम ऊपर ले आते हैं, ऊपर लाने के लिए यहाँ पर ले आते हैं कि आपको थोड़ा सा और स्पष्ट क्लियर दिखे, क्योंकि नीचे में स्पेस कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। ये आपको हम समझा दिए हैं। अब देखिए तो गौर से, अगर इसको आप समझ लिए, अगर नीचे ही अगर है तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, सो हमको लगता है कि दिखाई दे रहा है। आप गौर से देखिए, हम साइड हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, फिर भी हम इसको ऊपर उतार देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एलेवन, इसी को हम ऊपर उतार देते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ तक हम समझाए हुए हैं, यहाँ पर खाली रखना है, यहाँ पर ए है, जे है, बी है, स्पेस है, जी है, यह दिया हुआ है 11 स्टूडेंटों में। इसको हम नीचे वाले को मिटा देते हैं, सिर्फ इसको उठाकर मैंने ऊपर ले गया है कि आपको दिखाई देने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। हो कहीं कमेंट में आ रहा है सर ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिए, ऊपर जगह नहीं था तो इसीलिए यहाँ पर उठा कर लिया है। हो यहाँ पर अगर लिया है तो यहाँ तक तो ठीक है, अब जो है या तो इसको उठाएंगे नहीं तो इसको उठाएंगे। अब आप ही हमको बताइए किसको उठाएं। तो आपको बार बार कहें थे कि हम लोग अरेंज करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग करते हैं, तो आप देखिए तो किसका किससे सेटिंग होने वाला है। देखिए तो पांच वाला में और दो वाला को अगर एक साथ सेट करें तो सेट होता है कि नहीं, यही सब आपको समझने वाला क्वेश्चन है। ये और ये दोनों को कंबाइंड जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है, तो देखेंगे क्या गौर से कि इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो डी पर डी साटेंगे तो डी के बगल में क्या मिल जाएगा हमारे पास, एफ। डी के बगल में क्या बैठ गया, एफ। क्लियर है? डी के बगल में हमारे पास एफ है, डी के बगल में ये वाला उठाकर हम यहाँ सेट कर दिए हैं, क्या कि जिसमें रिलेटेड हम बोले हुए हैं कि जो जिसमें रिलेटेड उसको जोड़ लेंगे आप। तो इसके बाद यहाँ एच है, एच कर दिए। यहाँ गौर से देखिए एफ डी, तो यहाँ पर तो यही वाली है ना, ये तो उठा कर लिए एच, एच के बगल में स्पेस खाली था तो यहाँ तो एच, एच के बगल में कौन है सी। अब ये आपको बैठ चुका है। अब क्वेश्चन का लगभग आपका सारा पोर्शन खत्म है। आइए जरा सा अब इसको सेट करना है। अब जितने भी आपके स्टेटमेंट बड़े बड़े दिए हुए थे सबकी बड़े बड़े की हालत आज खत्म हो चुकी है। आइए, आई होप डैट इस क्वेश्चन संतुष्ट होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड था भी, फिर भी हम धीरे धीरे पढ़ाए हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि से सर की अजय चौहान की बुक का डिस्कशन कब होगा, ऑफलाइन में अच्छे से होती है, होगी भी, क्योंकि इसमें अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको 10-10 वीडियो बन जाएंगे सिर्फ डिस्कशन, जो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक का फरमाइश कीजिए कि इसके बाद कौन टॉपिक आप पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम देंगे आपको। ये इसलिए पढ़ाते ही पढ़ाकर एक और एक नया चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे, इसमें बहुत आगे भी पढ़ाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन, अभी तो मेन क्वेश्चन भी अभी रुके हुए हैं। ये आपको इस टाइप के जो पंक्ति वाला क्वेश्चन है, कतार वाला क्वेश्चन है, जो आपसे कमिटमेंट किए थे, ये स्टैंडर्ड रूप में हम समझा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे आप, अगर एक बार ना संतुष्ट हो दोबारा देखिए। चलिए इसको हम उठाते हैं, अगर उठाते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः आदमी है, तो छः आदमी है तो देखिए कहीं पर से भी उठा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम आई था तो अगर इसको अगर मान लीजिए कि इसको उठाइएगा तो यहाँ पर आई रखिएगा, तो आई यहाँ पर रख दिए तो ए बार खाली थे ए होगा, लेकिन ए बार सी है, सी है, ये तो नहीं होगा,
नहीं होगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ उठाते हैं आई, यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर क्या बैठा देते हैं आई को, इसके बाद यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या बैठेगा आई, यहाँ पर उठा के यहाँ पर आई रख रहे हैं। देखिएगा ये बात को, देखिएगा ये चीज़ आपको समझने की चीज़ है, यहाँ पर आई है आई, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर आपका एच हो गया, यहाँ पर आपका डी हो गया, यहाँ पर ए, पर अच्छा लगा कि बैठ गया। लेकिन ऐसा आप क्यों सोचेंगे, आपके मन में करेगा कि न हम ही पूरा उठा के बस अभी टाइम तब। तो देखिए इसको अगर हम बात करें, इसको हम लिख देते नंबरिंग, थोड़ा सा समझाना हम चाह रहे पजल की तरह, पजल भी पढ़ाएंगे, वो संदार पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो जो ऑफलाइन में जितना क्लियर नहीं हो पा रहा था आपका कि होमवर्क दिए आप छुट्टी मार देते थे, लेकिन इसमें तो आपका होमवर्क मिल नहीं रहा, लेकिन हम इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं डाउटेड खत्म हो जाएंगे। देखिएगा अगर आपका मन में हो रहा है कि नहीं एफ को ए बार बैठा तो लीजिए, डी को यहाँ बैठा लीजिए, एच को, कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट पकड़ाएगा यहाँ। यहाँ पर गौर से देखिएगा कि अगर एफ को यहाँ बैठा लेते हैं, डी को यहाँ बैठा लेते हैं, एच को यहाँ बैठा लेते हैं और सी को यहाँ बैठा लेते हैं, तो यही बात जगह कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा यहाँ, यानी कि ये अभी आपको कहीं ना कहीं आपका सेटल हो गया। हाँ अगर इधर से बैठाते, अगर सीट खाली हो जाता तो यह बैठाना आपका टफ था, यह आप नहीं बैठता, लेकिन इधर से बैठा रहे तभी बैठ गया, उधर से जिधर से अगर बैठाने पर बैठ जाए तो उसको बैठाएंगे, नहीं बैठने वाला हो तो फिर तरीका हम चेंज करेंगे, लेफ्ट के हैंड के राइट चेक करेंगे राइट से, तो अब बैठ ही गया तो हम स्टार्ट कर देते, लिख देते एफ यहाँ, यहाँ डी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा पढ़ाएं आज ये, और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, इसको शेयर करें। इसके बाद आपके ए बी सी डी में बचा हुआ कौन है जिसके लिए, तो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, आपका बचा हुआ योग के था। देखिए क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, हाफ पेज का क्वेश्चन था। अब इसमें के सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं एक एक करके, क्योंकि हर चैप्टर हर बैचों में ये क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछा करते थे और हर बार हमको डिस्कशन देना पड़ता था, इसीलिए हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चन को क्यों नहीं इतने अच्छे से बता दिया जाए कि बच्चों के आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 46 से 50, VBI क्वेश्चन समझ लीजिए, SBI PO का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन लिखना संभव नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, जस्ट बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता 46 नंबर में पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, तो यह क्वेश्चन तो आसान है और सारे क्वेश्चन टफ मिलेंगे। 46 में कहते पंक्ति के ठीक बीच में कौन है, तो यहाँ पर देखिए कि 11 को है तो 5 को तो ये हुआ और 5 को ये हुआ, तो बीच में कौन है, आई है, तो ऑप्शन नंबर आई को देखिए किस में 4। 47 नंबर क्वेश्चन पर है और अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मिलते जाएंगे। मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है, हो पहले जी के पास जाइए, जी के दाईं ओर देखिए कौन सा समूह है, तो जी के दाईं ओर समूह, तो जी के दाईं ओर समूह ये हो सकता था सी और एच, हो सकता है सी एच डी, हो सकता है सी एच डी एफ, मतलब दाईं ओर इसमें से दुइयों को दे सकता, तीनों चारों, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, पहला में दिया है आपको सी एच डी और आई, यहाँ पर एफ के जगह पर ई डाल दिया तो होगा नहीं, क्योंकि ई जो यहाँ है, दो नंबर एक नंबर ऑप्शन खत्म, सी एच डी एफ दो नंबर में दिया सी एच डी एफ जो तो है ही। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, दो। क्वेश्चन सबको दोबारा आप रिवाइज करें, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। अब कहता है क्वेश्चन में 48 में कहता है उपरोक्त जानकारी में, देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उपरोक्त जानकारी में कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है, मतलब क्वेश्चन में दो चीज़ बोलता है, पहले मान लीजिए जैसे हम आपसे पूछें कि आपको आधार कार्ड बनाना, तो उसमें नाम पता फादर नाम ही रहता है, अगर आपके पास दो माँ हैं तो उसमें कहेंगे क्या ज़रूरत नहीं पड़ा, तो आप कहिएगा कि हाँ हमारी अपनी माँ की ज़रूरत पड़ी है, वो सातवीं माँ की ज़रूरत है, सातवीं माँ है आपके पास लेकिन उस माँ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ठीक कहता है कि 48 नंबर क्वेश्चन में उपरोक्त जानकारी में, उपरोक्त जानकारी का मतलब क्या चीज़, 47 नंबर क्वेश्चन के लिए उपरोक्त जानकारी में से कौन सी जानकारी आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त क्वेश्चन में अगर कहता, उपरोक्त क्वेश्चन में कहता तो आप कन्फर्म रहिए कि हमको क्वेश्चन को डील करने का पड़ता,
अगर कहता उपरोक्त क्वेश्चन के लिए तब तो हम 48 बना रहे तो हम 47 के लिए डील करते, लेकिन यह पूछा कि उपरोक्त जानकारी में मतलब जो पांच को आपको दिखाई दे रहा है, जो 11 छात्र वाला है, डी वाला है, वह जो आपको सामने दिखाई दे रहा था, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ अगर जानना चाहते तो हमको कौन सी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप पहले ही कन्फर्म हो रहे हैं ना कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप बताइए कि अगर यह क्वेश्चन पूछा है तो अगर इस क्वेश्चन में आप कन्फर्म रहिए कि इस क्वेश्चन को अगर इसमें कौन सा जानकारी, अगर इसमें से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये 11 छात्र ये, इसमें से कोई भी अगर मान लीजिए अगर जानकारी नहीं मिला, ये मत समझिए एक इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसमें कोई भी जानकारी नहीं रहता क्वेश्चन बनवे नहीं करता, इसलिए इसको हमको सबकी ज़रूरत है। तो इसमें लिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 5 में क्या आवश्यकता से कोई भी अधिक नहीं था, यानी कि सबकी हमको ज़रूरत थी। यह बात आपको समझ में आ रहा है? 48 मतलब सबको मिलाने के बाद ये क्वेश्चन सेट हुआ, यानी हमको सबको ज़रूरत है, कोई भी आवश्यकता से अधिक नहीं है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ते हैं। 49 बोले थे ना कि पजल में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, 46 से लेकर 50 है, तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपको, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछता है, SBI में 8-9 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 49 क्वेश्चन नंबर को आप खुद पढ़िए, 49 नंबर क्वेश्चन को खुद पढ़िए कि बैठने के उपयुक्त अवस्थाओं में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कहता है बी और डी के बीच में 3 छात्र है, तो बी और डी के पास जाइए, यहाँ डी है और यहाँ बी है, क्या इसके इसके बीच में तो छात्र 4 है, तो ये ऑप्शन गलत। कहता है जी सी का पड़ोसी है जो कि एच के ठीक दाईं ओर, ये सब खूब ध्यान रखिए, ये तो पड़ोसी है, और कहता है जो कि एच के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, हो इसके एच के ठीक दाईं ओर इधर होगा कि इधर होगा, यही सबसे कन्फ्यूजन बनेंगे, इधर होगा लेकिन ये तो बाएं में है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 3 में कहता है बी जे और आई के बीच में है, बी जे और आई के बीच में है, तो ये हमारा सही 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि ई और डी, सी और बी और ए और एच तथा के और एफ अपने स्थान को बदल दिया जाए, देखिए ई और डी तो बदल दीजिए, ई के जगह पर भेज दीजिए डी को, यहाँ पर कर दीजिए डी और यहाँ पर कर दीजिए आप ई, ठीक है ये बदल दिया, जगह बदल दिया, और को बदल दीजिए, सी और बी को बदल दीजिए, यहाँ से हटाइए सी कर दीजिए, यहाँ पर आप बी कर दीजिए क्योंकि कह रहा है बदल देने के लिए, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ। कहता है ए और एच को तो यहाँ पर आ जाएगा एच और एच के जगह पर यहाँ आ जाएगा ए, के और एफ को के के जगह पर हो जाएगा एफ और आपका एफ के जगह पर हो जाएगा के, बदल दिया जाता है तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्र का जोड़ा कौन है, तो दोनों सिरा पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिरा पर कौन है अंत में डी और यहाँ कौन है के, तो यहाँ डी और के ऑप्शन नंबर में देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन यानी 50। मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को मैं भी खुद मेहनत करना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बच्चे मेहनत करें, और मैंने मेहनत करके हर एक पॉइंट को धीरे धीरे बताया है। थोड़ा सा आज लेट क्लास चली है, ऐसे ही जुड़े रहिए, कल भी हम आ रहे हैं इससे भी शानदार टॉपिक लेकर, मतलब इसके नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, और ये पढ़ने का मतलब है कि आपका पजल का पूर्ण रूप से खत्म कर देना, फिर हम लेकर आएंगे एडवांस मैथ की दुनिया में एक अलग पहचान आपको मिलेगी, आप स्पेशल बैच देखेंगे, जुड़े रहें इसी बैच के साथ मैथ के जादूगर अलजेब्रा इनकाउंटर बैच में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे से अगर 10 सब्सक्राइब हो जाते हैं, 10 आदमियों को सब्सक्राइब करते हैं और ये 10 को कमेंट आपके पास आ जाते हैं तो आपका एक हेडफोन फ्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक 3 बच्चों ने 8-8 सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब समय किसी वीडियो पर आप अपना नाम ज़रूर डालें, देखते रहें प्रेम सर मैथ जादूगर।